गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू अवर मोस्ट रेवर्ड गुरुजी डॉक्टर अशोक कुमार मोहंती सर, डॉक्टर महेश चंद्रा सर, हमारे मोस्ट सीनियर एंड रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर, हमारे रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर दिलीप जानी सर, डॉक्टर एमबी महादिक सर, डॉक्टर शशिकांत शिंदे सर और हमारे सभी रिस्पेक्टेड आईएचएफ फैमिली मेंबर्स। सबसे पहले हमारी आईएचएफ फैमिली की ओर से आप सभी को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये नया वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, आप होम्योपैथी के विशाल ज्ञान को आत्मसात कर पाएं और अपने जीवन के हायर पर्पज की ओर अग्रसर हों, तो ऐसी भगवान से हमारी प्रार्थना है। तो जैसा आप सभी को पता है, आज हमारे रिस्पेक्टेड डॉक्टर माधुरी पाटिल मैम ने केस प्रेजेंट किया है, बहुत ही बढ़िया केस है। जैसे लास्ट टाइम उनका ऑरम म्यूर नेट्रोनेटम का सेशन हुआ था, उसी तरह का लर्निंग आज फिर से होने वाला है। तो मैं हमारी आईएचएफ फैमिली की ओर से सबसे पहले मैम को वेलकम करता हूँ। वेलकम मैम, अ वेरी गुड आफ्टरनून मैम। थैंक यू सर। तो ओवर टू यू मैम, स्टार्ट करते हैं। प्लीज अपना कैमरा ऑन कीजिए आप। आ गया सर। थैंक जी हाँ, बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर। यू सर। वेलकम वेलकम। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेटिट्यूड टू डॉक्टर सैमुअल हैनमन, रिस्पेक्टेड डॉक्टर मोहंती सर, रिस्पेक्टेड डॉक्टर चंद्रा सर एंड ऑल द रिस्पेक्टेड मेंटर्स ऑफ आईएचएफ फैमिली हुम फ्रॉम हुम आई एम लर्निंग सो मेनी थिंग्स इन 4 मंथ्स। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू से माई ग्रेटिट्यूड टू माई मदर। टूडे इज माई मदर्स बर्थडे। आई वुड लाइक टू डेडिकेट अरे दिस वाह, सेशन टू माई मम्मी एंड आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू देम, माई मम्मी एंड पापा, बिकॉज दे ऑलवेज स्टूड बिहाइंड मी इन ऑल माई अप्स एंड डाउन्स एंड मेड मी सो मच सफिशियंट टू प्रेजेंट द केस इन फ्रंट ऑफ यू। थैंक यू मम्मी एंड पापा एंड लव यू। तो केस तो सबने पढ़ा है शायद, और आज भी मेडिसिन क्रैक नहीं हुआ है अपना, तो दो तीन जन आपको ही आप वॉलेंट्रियली आपका एनालिसिस दे दो, तो फिर आगे मैं जब एनालिसिस इवोल्यूशन करूंगी तब केस पढ़ूंगी। यस प्लीज। जी जल्दी जल्दी बोलिए क्योंकि आज प्लीज। भी काफी पढ़ना है तो टाइम अपने को लगेगा, तो जल्दी करोगे तो फिर आगे सब हो जाएगा अपना। हेलो प्रियंका मैम, आरडी चौहान सर, निषाद मैम, वैशाली मैम, कोई भी एक दो मेंबर्स हमारे, प्लीज एनालिसिस दीजिए। जो है, जो आपको लगा मेडिसिन में भी रॉन्ग हो लेकिन जो लगा वो बोलो। और आज प्लीज ऋषि के बाद सब लोग रुकना जो नहीं बोल रहे वो सब। तब तक ऐसा करते हैं मैम, केस को नरेट करते हैं। चलेगा। वो बीसी में आ जाएगा। ये जो पेशेंट है ये 32 ईयर्स ओल्ड फीमेल मैं है। कर दूं सर। जी जैसे आपको ठीक लगे, मैं भी नरेट कर सकता हूँ अगर आप कहें। नहीं मैं कर देती सर, आप टाइम। तो अभी ये जो पेशेंट है ये इनफर्टिलिटी की केस है, तो इनके शादी को 6 साल हो गए। तो इनका बैकग्राउंड ऐसा है कि जहाँ मैं मेरे गायनेक के पेशेंट रेफर करती हूँ, क्योंकि मैं मेरे यहाँ पे कुछ भी नहीं करती, इंजेक्शन आईवी कुछ भी नहीं लगाती हूँ, तो जो भी करना है ऐसा कुछ है प्रॉब्लम तो मैं उनके पास रेफर करती हूँ। तो उनकी जो खेती है वहां पे ये दोनों जो है, ये कपल जो है ये वहां पे केयर टेकर है। तो ऑब्वियसली ये है कि अभी उनके जो मालिक है वो गायनेकोलॉजिस्ट है, तो उनका तो सब ट्रीटमेंट हो गया है वहां पे, ऑलमोस्ट जो करना था वो उन्होंने कर दिया है ट्रीटमेंट। तो अभी उनके डॉक्टर ने उनको सजेस्ट किया है कि आप आईवीएफ कर लो। तो अभी पेशेंट तो अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो मेरे एक पेशेंट जिसने कंसीव किया मेरे यहाँ ट्रीटमेंट लेके और उन्हीं का वो रिलेटिव है, तो उन्होंने मेरा रेफरेंस दिया, तो अभी मेरे पास पेशेंट आया है।
तो आने के बाद क्या हो गया है, ये जो लेडी है इसका 32 ईयर्स ओल्ड लेडी है, तो वो अंदर आई है, हाथ में उसके रिपोर्ट्स है उसके, और आने के बाद बैठी है। पहले ही उन्होंने कॉल किया था तो मुझे पता था क्या केस है, तो फिर अभी स्टार्ट करना है तो मैंने जस्ट उसको पूछा, उसके फोरहेड पे यहाँ पे स्कार था, तो मैंने पूछा कि क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम क्या हुआ था, ये इतना बड़ा क्यों लग गया आपको। तो फिर उसने बोला कि 1 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था मैडम, तो हेड इंजरी हुआ था मुझे, तो तब से ये स्कार है और तब से ना मुझे हेडेक और वर्टिगो भी ऑन एंड ऑफ होता ही रहता है। बोले अभी जब हिस्ट्री ली तो उसका 32 ईयर्स उसका एज पूछा, उसने बोला 32 है। अभी ऑब्वियसली वो थोड़े विलेज रिमोट एरिया से है, 6 ईयर्स हो गए, तो कैलकुलेट करते हैं हम लोग तो 26 ईयर्स हो जाते हैं, तो 26 ईयर्स इतना तो लेट शादी होती नहीं है विलेज में। तो फिर मैंने उसको पूछा कि आपकी शादी लेट हुई थी क्या, तो उसने बोला कि हाँ मैडम, और थोड़ा ऑकवर्डनेस, थोड़ा सा उसमें हेजिटेशन दिखा। तो फिर मैंने उसको पूछा कि उसको बताया माइंड मेथड के बारे में कि देखो ऐसा ऐसा सब रहता है हमारा, तो अगर आप सब इंफॉर्मेशन मुझे प्रॉपरली दोगे तो मैं आपको बराबर ट्रीट कर पाऊंगी, तो आपको रिजल्ट भी अच्छे मिले। तो फिर उसने बताना शुरू कर दिया, एक्चुअली मैम क्या है ना, ये मेरा सेकेंड मैरिज है, हम दोनों मतलब अभी उसके साथ जो आया है वो सेकेंड हस्बैंड है उसका, हमारा दोनों पहले से शादी के पहले हमारा अफेयर था। तो अभी ये अफेयर के बारे में जब उसके मैके वालों को पता चल गया तो उन्होंने क्या कर दिया कि उसकी शादी दूसरी जगह पे करा दी। तो वहां पे शादी करने के बाद भी सब ठीक चल रहा था, उसने बोला ऑलमोस्ट 4 to 5 ईयर्स वो वहां पे स्टे किया है उसने, तो वहां पे भी मुझे एक बेटा हुआ। अभी वो बेटा जो है वो 10 साल का है, लेकिन फिर क्या हुआ, लेटर स्टेजेस में उसका जो हस्बैंड है उसने दारू पीना, उस पे शक करना, उसे मारना, ये सब शुरू कर दिया। तो एक बार क्या हुआ, उसने इतना मारा मैडम मुझे कि बस मेरी जान निकल नहीं पाती थी। तो इस बात को याद करूं तो अभी भी मेरे दिल कांप जाता है, इतना तो हो गया। तो मैंने सोच लिया कि अभी क्या करने का, ऐसी जिंदगी जी के, तो फिर मैंने सोचा कि चलो अभी सुसाइड कर लेते हैं, हम लोग यहाँ पे नहीं रहेंगे। तो लेकिन सुसाइड, ये इसने ये भी बताया कि ये जो सेकेंड हस्बैंड है और उसका फोन पे कांटेक्ट होता था हमेशा, उनकी बातें होती थी, तो अभी उसने सोचा कि अभी अगर मरना ही है तो एक बार इससे बात करके फिर हम मैं सुसाइड कर लूंगी। तो उसने उसके पे मोबाइल पे कांटेक्ट किया, उसको सब बताया कि अभी ऐसे ऐसे मैं मरने जा रही हूँ, बाय करने के लिए लास्ट उसको। तो फिर उसने, ये जो अभी सेकंड हस्बैंड है और उसका जो लवर था, इसने उसको बोला कि तूने ऐसा नहीं करने का है, तू जैसी है वैसे तू मेरे पास आ जा, हम लोग शादी कर लेंगे। तो फिर मैं आ गई बोले इधर, तो मैं इधर आ गई तो मैके वालों को ऐसे लग रहा था, बोले कि मेरा अफेयर था ऑलरेडी इसके साथ, मुझे इसके साथ ही शादी करनी थी, इसलिए ये हस्बैंड के पे मैंने गलत इल्जाम लगा दिए और मैं वहां से यहाँ आ गई। तो फिर भी हमने लोगों ने शादी कर ली। तो शादी करने के बाद प्रॉब्लम क्या हो गया है कि इसके मैके वाले भी और हस्बैंड के भी मतलब उसके ससुराल वाले भी दोनों भी उससे बात नहीं करते हैं, तो दोनों ने नाता तोड़ दिया। अभी नाता तोड़ दिया तो इनको सब जीरो से शुरू करना था, तो शुरू करने के बाद में उसने क्या किया कि सब दोनों ने काम करना शुरू कर दिया, इसने सिलाई का काम शुरू कर दिया, उसने खेती में काम शुरू कर दिया। ऐसे करते करते फिर उन्होंने उनका जो थोड़ा सा छोटा सा घर, उनका जो आशियाना था वो बना लिया। तो फिर अभी नेचुरली मेरे दिमाग में आया कि एक ही गांव में रहते हैं ये लोग, इसका ससुराल भी वही है, मैका भी वही है, दोनों भी वही रहते हैं। तो फिर मैंने उसको क्वेश्चन पूछा कि आपका मैका ससुराल एक ही है, तो आपका तो हमेशा आमना सामना होता ही होगा। तो बोली हाँ होता है, पर कोई बात भी नहीं करता और किसी फंक्शन में भी मुझे नहीं बुलाते हैं वो लोग। पहले तो मुझे लगता था मैडम थोड़ा बहुत उनसे बात करने का, लेकिन अभी जो एक्सीडेंट हो गया तो उसके बाद तो ऐसे लगने लग गया कि क्या फायदा ऐसे लोगों का। फिर मैंने बोला मतलब, यानी उसका डिटेल में लेने के लिए मैंने उसको पूछा, तो उसने बोला सर को मार लगा था, मैं आईसीयू में एडमिट थी बोले, तो मेरा ना हालचाल पूछने आए ना मुझे केयर करने आए। हमारे जो सर थे मतलब ये जो गायनेकोलॉजिस्ट है जिनके पास ये काम करते हैं, उन्होंने और फ्रेंड ने, इन्होंने ही मुझे हमें हेल्प की। तो फिर मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने बोला आपको कंसीव नहीं हो रहा है, इतने दिन हो गए, इतना ट्रीटमेंट हो गया आपका, तो उसको लेके मन में क्या विचार आते हैं आपके। तो बोलती बुरा लगता है मैडम बहुत ज्यादा, इतना ट्रीटमेंट किया, इतने रिपोर्ट्स कराए, देखो ना आप, और जैसे मेरे सामने रखे हुए थे तो वो मेरे पास उसने थोड़े से ऐसे सरका दिए उसके रिपोर्ट्स की, देखो ना मैडम आप भी देख लो। और अब तक जो उसने, मुझे लग रहा था ये कंट्रोल कर रही है रोना, तो जैसे जैसे वो बात करने लगी और ये जैसे मैंने कंसेप्शन का उसको पूछा, तो
उसको जो भरा पड़ा था, उसका जो रोना था, वो एकदम उसका कंट्रोल छूट गया और एकदम वो अनकंट्रोलेबल रोने लग गई। तो फिर उसको ऑलमोस्ट 4 to 5 मिनट्स लग गए सेटल होने के लिए। फिर सेटल होने के बाद मैंने उसको 2 CTQ पूछे हैं सिर्फ, और अपनी रेमेडी जो है वो कंफर्म हो गई। तो ये रेमेडी देने के बाद उसको 1 मंथ में ही कंसीव कर लिया है पेशेंट ने। तो अभी मैंने नैरेट करने के बाद आपके दिमाग में कुछ आ रहा है तो प्लीज आप शेयर करो। हेलो। मैम मैंने चार्ट तो नहीं बनाया, पर जैसे ये केस पड़ा है ना, तो ये मेडिसिन बहुत ही शेल्फिश लग रही है मुझे, शेल्फिश टाइप की बन रही है। हाँ, मतलब पहले तो उसने यील्ड कर दिया कि फैमिली वालों ने बोला तो यहाँ पे शादी कर लो, फिर शादी के बाद भी वो हमको कैसे रही वो हमको पता नहीं है हस्बैंड के साथ, पर उसने बोला कि भाई उसने जैसे उसको अब्यूज करना स्टार्ट किया, मारना स्टार्ट किया, तो फिर उसने जिंदगी छोड़ देने का सोचा। लेकिन उस टाइम पे फिर वो क्या करती है, अपने मतलब ये वाले हस्बैंड को फोन करती है, बॉयफ्रेंड को फोन करती है, तो वहां पे वो थोड़ी मैनिपुलेटिव या फिर खुद का फायदा देखने वाली है कि भाई अगर मैं इसके साथ रहूंगी तो मेरी लाइफ तो बराबर है नहीं, पर शायद उसको बोल दूं और वो मुझे अपना ले तो, या फिर कुछ ऐसा था उसके दिमाग में इसलिए उसने फोन कर दिया, फिर वो सुसाइड से पहले उसने फोन कर दिया, तो ये थोड़ी मैनिपुलेटिव भी लगी मुझे, या फिर कुछ है मतलब यहाँ पे इसलिए उसने फोन कर दिया, तो वो पिघल गया और उसने बोल दिया भाई तू मेरे पास आ जा, मैं तुझे मतलब मैं अपना लूंगा, तो फिर वो उसके पास चली जाती, फिर सुसाइड की बात तो अलग ही रह गई, मतलब वो चाहती थी कि वो उसे अपना ले, और फिर उसने क्या क्या गलत इल्जाम लगा दिया उसको फर्स्ट वाले हस्बैंड के ऊपर, तो वहां पे भी वो सेल्फिश थी कि भाई उसको ये शादी करनी ही थी, इसके साथ आना ही था, इसकी वजह से उसने वहां पे गलत इल्जाम भी लगा दिया, और फिर अभी वो बोलती कि भाई मेरे साथ रिश्ता तोड़, मतलब वो बोल रही है कि घर वाले उसको बुलाते नहीं है, ये नहीं करते, पर ये एक बिजनेस माइंडेड या सेल्फिश रेमेडी लग रही है मुझे, तो अपना फायदा कहाँ पे है वो देख रही है, अभी तो देखो ये ये इस तरीके आपका ही से है थोड़ा। मैडम। हाँ हो गया मैम आपका। यस मैम, हाँ, पूरा मैंने चार्ट नहीं बनाया, पर केस में से जो एक मेन फीलिंग आती है ना, ये लग हाँ रही है मुझे कि इसने अपना फायदा या अपनी मतलब अपने को कंसंट्रेट करके, लेकिन अगर पहले का देखे कि वो यील्ड क्यों किया इसने, पेरेंट्स ने जहाँ पे बोला वो थोड़ा समझ में नहीं आया, अदरवाइज पीछे का जो भी देखते हैं ना, तो वो उस या फिर वो अपना मतलब जहाँ पे उसको मिल रहा है वहां चली जाना चाहती, उसके माइंड में वो ही था, तो इसकी वजह से वो वहां गई। अभी ये मैडम आपका ही नहीं, काफी लोगों का ऐसा एनालिसिस आया है कि ये मैनिपुलेटिव है, हिपोक्रेट है या झूठ बोल रही है। तो मैं आपको ये लोगों को ये बता दूं कि ये जो केस मैंने आपके पास सामने प्रेजेंट किया है, इसके ऊपर ही हमने प्रिस्क्राइब किया है। तो सोचो अगर मेरे पास पेशेंट आता है, उसकी शादी को 6 साल हो गए और उसको मैं पूछ रही हूँ कि बाबा तू अगर मुझे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देती है तो मैं तुझे ट्रीट कर पाऊंगी। तो इस टाइम पे अगर उसके दिल में सच में कुछ ऐसा रहता था कि उसके फर्स्ट हस्बैंड को उसको डिच करना था, तो वो मुझे बोल देती थी या कुछ तो मुझे हिंट मिलता था। या दूसरा ये चीज कि वो उसके पास 5 साल रहती ही नहीं थी। मतलब अब हम लोग हमारे अगर ऐसा बोलते हैं ना कि हम वो पेशेंट के शू में जाके बैठे, तो सोचो ना अगर अपने साथ ऐसा कुछ होता था और इतना अगर हस्बैंड मारता है कि बस जान निकलनी बाकी रह गई है, तो हम लोग क्या करते थे? हम लोग फिर भी वहां रहते थे या वहां से निकलते थे? और पहले ही मेरे मैके वाले सपोज मेरे अपोज में है, तो फिर मैं मैके वालों को कैसे कॉल करूंगी जिसका मुझे लग रहा है कि रियली कि यहाँ से मुझे सपोर्ट मिल रहा है या यहाँ से मुझे हेल्प मिलने के चांसेस है? तो वहां पे मैं कॉल करूंगी। और उसने कॉल भी किया है तो उसके पहले उसने सुसाइड का फाइनल कर लिया था। ऐसा नहीं कि उसने उसको पूछने के लिए फोन किया कि बाबा मैं आऊं या नहीं आऊं, उसने बोला उसके बाद वो उसके पास जा रही है। समझे आपको मैम? हाँ, मतलब वही कि उसको लेंगे क्या, मैनिपुलेटिव जैसे मैंने एक हाँ, वर्ड वो बताया, तो पर है ही है समझ में मैडम, नहीं आया कि उसको एनालिसिस लेंगे लेंगे क्या, अपन। कि वो हाँ जो वो देखेंगे सीख कर रहा है ना, अपन। वो उसे नहीं मिल रहा है वो उसको वहां मिलेगा, मतलब वो लेने वो जा रही है, नहीं, मेरे अपने को कहने का आज मतलब सीखना है ताकि ये रेमेडी अपनी स्किप नहीं होनी चाहिए अभी आज इसके आगे। और कोई बोलना चाहेगा? है। यस, गुड आफ्टरनून मैम। हाँ मैम आप मैम अच्छा सुबह बोलते थे से मैडम, लेकिन बीच में आपने गड़बड़ कर दिया, छोड़ दिया थोड़ा सा, बोलिए आप। यस मैम, मैंने जब केस पढ़ा था तो मुझे नैंट्रम, हायोस और स्टैफ का फीलिंग आया था। सो मैम, मुझे अब
जब आपने अभी ये नरेट किया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रेमेडी कहीं ना कहीं स्टैफ भी हो सकती है या तो फिर मैम लाइसिन भी, मुझे ऐसा लग रहा है. मैं दोनों भी जस्टिफाई करना चाहूंगी. स्टैफ इसलिए लग रही है कि ऑलरेडी उसे, जैसे कहा कि बहुत सारा एंगर था, सप्रेशन था उसे, और वो काफी, मतलब काफी अपना गुस्सा दबा के रख रही थी. और जैसे ही आपने उसे और कुरेदा तो उसने वो चीज, मतलब उसका वो जो एंगर था या जो फ्रस्ट्रेशन थी वो बाहर आई. उसने वो चीज मतलब एक्सप्रेस की. जैसे कि स्टाफ में होता है कि वो अपना एंगर दबा के रखता है दबा के रखता है, बट एट द एक ऐसा मोमेंट आता है जब वो एंगर थ्रो करता है अपने, मतलब या बताता है एक्सप्रेस. और लाइसिन वाली फीलिंग में ऐसा लग रहा है कि वो ऑलरेडी इतनी बिचारी जैसी थी, उसके आईपीआर जो, उसके जो रिलेशन थे, पेरेंट्स है, फैमिली है, और सारा जो, सारे जो लोग है उससे वो बहुत ज्यादा मतलब सताई हुई थी. तो उसे जहां से सहारा मिल रहा था, या जो उसका जो एक्स लवर था, तो उसने सोचा जहां से सहारा मिल रहा है वो उसकी तरफ वो, मतलब उसने वो डाइवर्ट हो गई उसकी तरफ. तो मैम मुझे इसमें उसकी पुअर फीलिंग लाइसेंस वाली भी ऐसी फील हो रही है कि उसको अब्यूज किया गया एक मैरिज में. मे बी उसकी जो भी शक करने की वजह उसके हस्बैंड, क्योंकि हम तो केस ऐसे नहीं पता है कि क्या उसकी मिस्टेक्स रही होगी, लेकिन अभी तो हम पेशेंट के एंगल से केस को देख रहे हैं जिस तरह से वो प्रेजेंट कर रही है. सो मैम हम उतना ही देख सकते हैं जो पेशेंट हमको बता रहा है. बराबर है मैम. यस मैम. लाइसिन जो है ना मैडम वो हाइड्रोफोबिनम में है, वो कितना भी सहता था और रिचुअलिस्टिक बिहेवियर में है, वो छोड़ता नहीं था उसके हस्बैंड को, ऐसा भी yes, 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 मैम. तो मैम फिर स्टेप आई विल गो विथ स्टेप. और करो सर रिवील फिर. जी जी अभी ओपन अप कीजिए, लास्ट में क्वेश्चन लेते हैं. चलेगा. तो अभी केस तो नैरेट हो गया है, तो मैं शॉर्टली अभी बैकग्राउंड वगैरह नहीं बोलती हूँ, शॉर्टली आगे की देखते हैं स्टोरी. तो कैसे हैं आप लोगों ने, जैसे शिंदे सर के केस में कुछ चीजें पहली मिस की थी, वो चीज इसमें भी मिस की, वो रूब्रिक किसी ने सोचा ही नहीं. मैंने लिखा स्टार्टअप करने के लिए, मैंने क्वेश्चन पूछा उसको कि ये क्या हो गया है, तो पेशेंट ने क्या बोला, एक्सीडेंट के बाद हुआ है, और एक्सीडेंट के बाद मुझे हेडेक और वर्टिगो शुरू हो गया है. तो रूब्रिक क्या आना चाहिए था आप लोगों का, अभी हुआ शिंदे सर का केस, फर्स्ट रूब्रिक सर ने यही किया था. फिर बट नेचुरली आप लोगों ने इतना अच्छा और इजी रूब्रिक छोड़ दिया, तो पहला रूब्रिक मैंने उठाया था. और कैसे है मैडम इंजुरी बिंग इंजर्ड, यहाँ पे दो जगह पे आता है, एक ही जगह आया है तो हम इतना उसको कंफर्म नहीं कर सकते हैं. एक तो इसको हेड इंजुरी हुआ है, हेड इंजुरी के बाद उसको वर्टिगो और हेडेक शुरू हो गया है. सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग जो है, इसकी जो प्रॉब्लम्स है, जो इश्यूज है, वो सब इसके फर्स्ट शादी के बाद से शुरू हो गए. उसके बाद उसने मारना शुरू कर दिया. ये जो चीजें है, बींग लगाते हैं हम, इंजुरी बींग इंजर, मतलब ये प्रोसेस इज गोइंग ऑन. तो ये पहला रूब्रिक मैंने उठाया, डेल्यूजन इंजुरी बींग इंजर्ड. आप लोग डालो अभी और फिर मेरे को बोलो क्या आता है. फिर जैसे इसको पता चला इसको हस्बैंड ने इतना ज्यादा मारा है, और ये जब बता रही थी हस्बैंड वो पेशेंट, तो उसके फेस पे टोटल ऑलमोस्ट सैडनेस था. और जब इसने बताया कि उन्होंने इतना मुझे मारा मैडम कि अभी भी दिल मेरा कांप जाता है, मतलब वो सोच के भी उसके दिल में एकदम फियर आ जाता है, तो फिर मैंने सुसाइड करने का सोचा. तो सेकेंड रूब्रिक मैंने उठाया जो कन्फर्म था, सुसाइडल थॉट्स ऑफ. तो भी ये दो ही रूब्रिक आप डालोगे तो आपकी चार ही मेडिसिन आती है, इतना इजी जाना था. और ये जो बोली पेशेंट कि मेरा दिल कांप जाता है वो सोच के भी, यहाँ पे भी दो रूब्रिक आते हैं, ये रेट्रो में आते हैं, ये मैंने नहीं लिए थे तब. फियर ऑर्डियल आता है और एलिमेंट्स फ्रॉम एम्बेरसमेंट आता है, तो ये तो तब नहीं लिया था, ये दो ही लिए मैंने. तो ये दो लेने के बाद मेरे चार रेमेडीज आए हैं, एक था रस्ट्रॉक्स, दूसरा था कालीब्रोम, तीसरा था लैकेसिस, चौथा था नाजा. तो यहाँ से थोड़ा सा अभी मेरा तो फियर ऑर्डियल दिमाग में आ गया था, तो कालीब्रोम पे तो थी मैं, लेकिन फिर भी कंफर्म करने के लिए अगर आपको डीडी करना है तो कैसे करेंगे आप लोग डीडी. पहले रस्टॉक्स है, रस्टॉक्स में तो आपको एंजाइटी फैमिली अबाउट दिखेगा, तो एंजाइटी फैमिली की रहती थी तो ये स्टेप, ये कदम वो उठाती ही नहीं थी.
सेकेंड लैकेसिस था, तो लैकेसिस जैसा उसमें कुछ भी अम्यूजमेंट या चार्म का कुछ भी मुझे फीलिंग नहीं आया था। और लास्ट था नाजा, तो नाजा जो है ये स्नेक रेमेडी है, लेकिन ये टूथलेस स्नेक है। डोमिनेशन सहता रहता है, स्नेक सहता रहता है, लेकिन वो फॉर्म भी नहीं करता, यानी ऐसा डसने की भी कोशिश नहीं करता किसी को। तो ये तो वैसे वैसे नहीं निकली दिखी अपने को, तो कालीब्रोम पे थी मैं, लेकिन अभी कंफर्म नहीं हुआ है अपना। तो फिर आगे चलते हैं अपन। आगे जाने के बाद उसने क्या बोला है अपने को कि मेरा जो अफेयर था तो उसके पास में आ गई। आने के बाद हम लोगों ने मिलके काम किया, काम करने के बाद हमारा आशियाना बनाया। फिर मैंने उसको जो क्वेश्चन पूछा है कि मैके वाले और तुम्हारा आमना सामना होता है क्या, तो आमना सामना तो होता है बोले मैडम, लेकिन वो बात नहीं करते हैं मुझे। तो तब भी ये रूब्रिक कंफर्म नहीं हो रहा था, लेकिन जब उसने बोला कि एक्सीडेंट के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या फायदा ऐसे लोगों का, तो यहाँ पे मैम शबाना मैडम आई थिंक ना आपने लिया है रूब्रिक, मैम, लेकिन हाँ, यस लेकिन मैम, आप रॉन्ग टॉकिंग डेड डायरेक्शन में पीपल, गए टॉकिंग हो। हाँ, डेड पीपल यू आर, डेड, आपने लिया है डिलीजन डेड पीपल टॉकिंग विथ, तो ये टॉक तो यस नहीं कर रही है और ये इसका डिलीजन भी नहीं है, ये कंफर्म रूब्रिक है। मतलब यहाँ से इसके एलिमेंट शुरू हुए हैं, तो यहाँ पे हम रूब्रिक लेंगे एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन। और ये जो इन्होंने बहुत दिन रात मेहनत की, इसको ले सकते हैं हम इंडस्ट्रियस, तो ये डालते हम लोग, तो हमारा कालीब्रोम सिंगल रेमेडी आ जाता है। और पहले ही हम अगर फियर ऑर्डियल जो सोचा था वो डालते थे तो भी आता था, लेकिन वो मैंने साइड में रखा था, वो तब मैंने कंसिडर नहीं किया था। ठीक है, फिर बाद में कंसीव नहीं हो रहा है आपको, तो उसको लेके आपके दिमाग में क्या आता है? तो बोलती है मुझे बहुत बुरा लगता है मैडम अभी। बट नेचुरली कोई भी लेडी यही चीज कहेगी, लेकिन अपना पेशेंट कालीब्रोम है, तो ये रेट्रो के रूब्रिक है, कंफर्म रूब्रिक मैंने नहीं लिए थे। सैडनेस इम्पोर्टेंसी विथ, अभी आप ये रूब्रिक सिर्फ सुनो या पेपर पेन लेके लिखे रखो, आगे चल के मैं सब डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और ये जो मैंने बोला, उसने जो मेरे तरफ ऐसे फाइल आगे करके बोली कि आप भी देखो ना मैडम, तो ये सबटल उसका लाइट डिजायर था और डेल्यूजन परसिक्यूटेड था। और ये जो एक कंफर्म रूब्रिक सिंगल रेमेडी रूब्रिक है, इसमें सैडनेस वीपिंग अनकंट्रोलेबल, यानी वो जैसे ऐसे बोलते ना अपन, बांध फूटला, मतलब जो उसने ऐसे कंट्रोल करके रखा था वो सब उसका छूट गया और एकदम से वो शुरू हो गए जोर जोर से। मतलब उसको 5 मिनट्स लगे, मुझे, मैंने भी उसको थोड़ा सा समझाया, हस्बैंड ने भी थोड़ा सा समझाया, उसके बाद वो सेटल हो गई। तो अभी आपको रेमेडी भी मालूम है, तो आप में से कोई बोल सकता है क्या CTQ कौन सा पूछा था मैंने? हेलो, बोल दूं? तो कैसे रहता है, काफी लोगों का ये रहता है कि मैडम मैं भी पूछती थी एक्चुअली, मैं भी लिख के रखती थी, जो डॉक्टर ने जो केस लिया उसने जो CTQ पूछा वो लिख के रखती थी। लेकिन मेरे हिसाब से अभी मैं जब एक्सपीरियंस हो रही हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि CTQ ऐसा एज सच कुछ नहीं रहता है। हमारा जो केस रहता है, हमारे पास जो प्रेजेंटेशन पेशेंट लेके आता है, उस प्रेजेंटेशन के हिसाब से जो हमको कंफर्म रूब्रिक लग रहा है कि ये हो सकता है इससे रिलेटेड, वो अगर हम पूछे तो उसको इसका CTQ बोल सकते। नॉट नेसेसरी कि मेरे केस में मैंने ये CTQ लिया और आपके पास कालीब्रोम आ रहा है तो आप भी ये ले रहे हो, तो वो लगेगा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो अभी मैंने जो पूछा है उसको CTQ, वो सुनो आप लोग। तो मैंने उसको पहला क्वेश्चन पूछा कि ऐसा लगता है आपको कि आपने जो गलती की उसकी सजा आपको भगवान दे रहा है? तो उसका हस्बैंड भी बोला और वो भी बोली हाँ मैडम। और हस्बैंड तो ये भी बोला कि हाँ मैडम, मुझे हमेशा ऐसे लगता, ये हमेशा यही बोलती रहती है। मतलब जैसे हम लोग कभी भी डिस्कस करते हैं तो कुछ भी हुआ तो ये यही बोलती है कि हाँ, क्यों, क्या मालूम भगवान ने मुझे क्यों ये दर्द दे दिया, ये मेरे साथ क्यों ऐसा कर रहा है, मैंने क्या गलती कर दी, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे दो रूब्रिक आते हैं, एक तो जो है इसका सिंगल रेमेडी रूब्रिक, वो है गॉड, ही इज द ऑब्जेक्ट ऑफ गॉड वेंजियंस। एंड सेकेंड इज, ये भी सिंगल रेमेडी रूब्रिक है, मोर्निंग फेट अबाउट, मोर्निंग हमने देखा है, हीट ड्यूरिंग, पेन ड्यूरिंग, मतलब वही वही चलता रहता है उसका। वैसे इसका, ये पेशेंट का भी वही वही चल रहा है, तो कोई भी टॉपिक निकाल तो हम फिर के वो वहीं पे आएगी कि यार क्या मालूम कैसे हो गया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लोगों का तो नहीं होता है, मेरे को ही ऐसा क्यों कर रहा है, दिस टाइप ऑफ, दिस इज मोर्निंग फेट अबाउट। और दूसरा जो पूछा था मैंने, क्या अपना बराबर सोच के बोलो मुझे, ऐसा लगता है क्या कि पहले घर में आपका बेटा था तो हस्बैंड अच्छा नहीं था, और दूसरे घर में हस्बैंड अच्छा है तो बच्चा नहीं हो रहा है आपको?
तो एकदम चौंक के मेरी तरफ देखी तो बोली हाँ मैडम सेम ऐसे लगता है। सैडनेस तो थ्रू आउट था उसके चेहरे पे। तो दिस इज अगेन अ सिंगल रेमेडी रूबरी डेल्यूजन मनी इज सूड अप इन क्लोदिंग। तो यहाँ पे अपना कालीब्रोम कंफर्म हो गया था, यानी दो जो भी सिंगल रेमेडी रूब्रिक अगर कंफर्म होते हैं तो मतलब आपको दूसरा सोचने की जरूरत नहीं है। और तब अपने को गारंटी भी रहती है, और जो अपन श्योरिटी देते हैं पेशेंट को वो भी बहुत ज्यादा काम करता है। मैं मेरा किसी भी टाइप का एडवर्टाइज नहीं करती हूँ, ना फेसबुक पे हूँ ना किसी में नहीं हूँ, लेकिन पेशेंट जब किसी का सुन के आता है देख के आता है ना, तो वहीं पे अपना आधा काम हो जाता है। उनको कॉन्फिडेंस रहता है कि इनका हो गया तो मेरा भी हो जाएगा, तो ये कॉन्फिडेंस भी काफी बार अपने को हेल्पफुल रहता है। तो अभी मेरा जो कंफर्म हो गया रेमेडी, तो मैंने उसको इतना ज्यादा कॉन्फिडेंटली बोल दिया था कि तू टेंशन ही ले मत, बोल तेरा इस मंथ में कंसीव होना ही है। तो वो भी काम कर जाता है, सबकॉन्शियसली पेशेंट भी वो टाइप से सोचने लगता है और अपना मेडिसिन भी हेल्प करता है। तो तब तो मेरे पास कालीब्रोम 200 था, तो मैंने उसको 200 BD दिया था 5 डेज के लिए, और उसके बाद उसको SL पे रखा था। और उनका ऑलरेडी सब मेरे पास इन्वेस्टिगेशन के रिपोर्ट थे, उनका फॉलिकल रिपोर्ट वगैरह सब थे, तो कुछ करने की वैसे ज्यादा जरूरत नहीं थी। तो फिर मैंने उसके हिसाब से उनको सिर्फ फॉलिकुलर स्टडी करने को बोला, और जिस दिन रप्चर होता है उस दिन कॉन्टेक्ट रखने को बोला था। तो नेक्स्ट मंथ में अपना पेशेंट कंसीव हो गया था। तो अभी इस केस में या इसमें आपको किसी को कुछ क्वेरी है तो वो बोलो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं अभी। मैम, जो अभी आपने एक रूब्रिक बोला डिल्यूजन मनी सीव्ड, मनी हाँ सीव्ड सर, अप इन क्लासिंग, जो कैसे आपने लिए फिर समझा दीजिए। तो मैं समझाती हूँ सर आपको, जर्नी में और डिटेल में समझ जाएगा। इसलिए तो मैंने बोला ना आपको कि आप सिर्फ पेन पेपर लिखे, या और मैंने जो भी रूब्रिक लिया है वो सब मोबाइल सिंथेसिस रेपेटरी के, तो आप डायरेक्ट जाके देखो, तो आदत डालो थोड़ी सी, वो हाँ देखते हैं तो हाँ आपको देखा हूँ उतने मैम, का। उसमें सिंगल कालीब्रोम है अभी जो हाँ आपने तो रूब्रिक फिर मैं बोला है। समझाती हूँ सर आपको, आप सिर्फ अभी ध्यान में रखो, ठीक है। ठीक है। और जैसे हमने लास्ट टाइम ओरम मूर नेट के केस में कैसे किया था कि हमने तो पहले पूरा जर्नी कर लिया था और लास्ट में हमने उसका जिस्ट किया था, तो इस टाइम हम लोग थोड़ा अलग ट्राई करने वाले हैं, थोड़ा उल्टा सोचेंगे इस टाइम। अगर आप ये बेसिक समझ जाते हो तो आगे मैं जो भी बोलने वाली हूँ वो सब आपको बराबर बराबर कोरिलेट होने लग जाएगा। तो थोड़ा आराम आराम से सुनो, लगा तो आप एक हाथ दो पॉइंट लिख के रखो, तो मैं आगे जो बोलूंगी वो आप सब कोरिलेट कर पाओगे, ठीक है। तो काली ब्रोम, अगेन दो एलिमेंट्स है इसमें, काली दैट इज पोटेशियम और ब्रोमियम दैट इज हेलोजन। तो काली जो ग्रुप है ये अगर हम पीरियोडिक टेबल से देखें तो ये दोनों भी, काली भी और ब्रोमियम भी, ये दोनों भी रो फोर में आते हैं, लेकिन सॉरी काली जो है वो कॉलम वन में है। इसलिए मैंने सुबह बोला था कि प्लीज लास्ट का थोड़ा सेशन पढ़ लो, ताकि हम ये सब रिपीट करने में हमारा टाइम नहीं जाता। तो तब मैंने बोला था कि लेफ्ट साइड की जो है वो शुरुआत रहती है, और राइट साइड की जो है वो एंड रहता है। तो ये काली जो है ये फर्स्ट कॉलम में है, तो जस्ट शुरुआत हुआ है उसका, ईगो डेवलप हुआ है, रो फोर में गया है तो उसका ईगो डेवलप हुआ है, आइडेंटिटी थोड़ा बहुत आ गया है, लेकिन यहाँ पे उसको रोटी कपड़ा मकान का इशू शुरू हो जाता है। जो उसकी डेली की रिक्वायरमेंट है, मटेरियलिस्टिक जो उसकी रिक्वायरमेंट है, उसका यहाँ से उसका शुरू हो जाता है। तो ये काली ग्रुप स्पेशली जो है ये फैमिली रिलेटेड रहते हैं, तो फैमिली के इश्यूज रहते हैं उनके, उन फैमिली को नहीं छोड़ सकते ये लोग कभी भी, प्रिंसिपल रहते हैं लोग। तो ये हो गया काली। अभी ये भी अपने को थोड़े से क्या मिलेंगे, अपने कैरेक्टरिस्टिक मिलेंगे आगे, और ब्रोमियम के भी मिलेंगे। तो ब्रोमियम क्या होता है, तो ब्रोमियम जो है वो हेलोजन है, ये भी सेम रो फोर का ही है, तो वर्कर्स रो है, वर्कर्स रो बोलते हैं, मतलब रोटी कपड़ा मकान है तो वर्कर्स रो हो गया। ये कमाना भी है इसको, और प्लस रो सेवन सॉरी कॉलम 17 में है, 17 में मतलब लास्ट में चला गया ये। तो लास्ट में जब चला जाता है इसमें, तो प्रॉब्लम क्या रहता है कि इसको एक ही इलेक्ट्रॉन जो है वो लगता है आउटर जो उसका ये कंप्लीट करने के लिए। अभी किसी किसी को ये ओवरलोड होगा, लेकिन मेरे हिसाब से अभी हर टाइम स्पून फीडिंग नहीं होगा, आप घर जाने का या गूगल सर्च करने का, उस पे आउटर लेयर क्या रहता है, ब्रोम क्या उसका कॉन्फ़िगरेशन रहता है, वो सब देखने का। तो इसका मैं ये बोलती हूँ आपको, एटॉमिक नंबर जो है ब्रोमियम का वो 35 रहता है, तो उसके लास्ट के जो आउटर लेयर जो रहता है उसका ऑर्बिट जो रहता है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन सिंगल रहता है, उसको जरूरत रहती है एक इलेक्ट्रॉन की। तो ये
उसको एक ही की जरूरत है, उसको ऐसा लगता है, मतलब उसको ऐसा लगता है कि मेरे पास तो सब कुछ है यार, क्या जरूरत है, एक की तो जरूरत है मुझे, लेकिन वो एक के बगैर वो अधूरा रहता है। तो वो एक जो है उसको, एक को पूरा करने के लिए वो किसी के साथ जुड़ जाता है, लेकिन वो जब जुड़ जाता है तब उसके सब प्रॉब्लम जो है यहाँ से शुरू हो जाते हैं, तो उसको ये सब बर्डन सम लगने लग जाता है जब किसी के साथ जुड़ जाता है तो, और उसका जो स्ट्रक्चर है वो कन्फाइन होने लगता है, उसको लगता है मेरे ऊपर थोड़े से रेस्ट्रिक्शंस आने लग गए हैं, और फिर यहाँ से वो थोड़ा ड्यूटी निग्लेक्टेड में जाता है, और ड्यूटी निग्लेक्टेड जाने की वजह से इसमें गिल्ट आता है, तो काली ब्रह्म में थ्रू आउट आपको गिल्ट की शेड दिखेगी। तो जब कभी आपको ये शेड दिखे, थोड़ा ड्यूटी प्रिंसिपल और गिल्ट, तो हम काली ब्रह्म सोच सकते हैं कैसे, अभी वो देखेंगे। अभी अभी जर्नी तो मैंने बहुत ज्यादा डिटेल नहीं लिखा है क्योंकि काफी बड़ी रेमेडी है ये, तो जो ऑफनली पिक्चर देखा जाता है हमारे ओपीडीज में, तो वो रूब्रिक्स मैंने कवर करने की, जो कोर रूब्रिक है वो मैंने कवर करने की बहुत ज्यादा कोशिश की है। और जैसे मैंने लास्ट टाइम ओरम मूर नेट का पढ़ाया था, तब मैंने जो बोला था कि अगर ये रूब्रिक है तो ये से आएगा पेशेंट का, या ऐसे कंडीशन में पेशेंट आएगा, वैसे ही मैंने इसमें लिखने की कोशिश की है। और ये सब हाइपोथेसिस फिर से नहीं है, जो भी मैंने केसेस पढ़ी है वो सब केसेस में से मैंने जिस्ट निकाल निकाल के सब डाला हुआ है। मतलब ये आपको, अगर आप बराबर से पढ़ रहे हो और रेडीमेड अगर आपको मिल रहा है, तो ये अच्छे से पढ़ के लिख के रखो, ताकि पेशेंट आते ही आपके दिमाग में ये चीजें आने लगेगी। ठीक है, तो अभी आपने, हमने देखा कि इसमें गिल्ट आता है, तो भाई गिल्ट क्यों आता है? मैंने अगर गलती नहीं की तो मेरे में गिल्ट आने की जरूरत ही नहीं है ना। तो मराठी में एक से है, कर नहीं तेला डर कशाला, मतलब अगर मैंने गलती नहीं की है तो मुझे डरने की क्या जरूरत है, मतलब काली ब्रह्म ने गलती की है, ये तो आप समझते हो। हेलो, मैम हाँ, तो मतलब ऐसा हम लोग अगर सोचते हैं और ऐसे पढ़ते हैं तो फिर हमारी पढ़ाई अच्छे से होगी, और लास्ट में हम लोग जो डीडी करते हैं ना वो हमसे बहुत अच्छे से होता है, तो इसलिए ऐसे पढ़ने का। तो ये मतलब अगर गिल्ट है, मतलब दाल में कहीं तो कुछ तो काला है, तो उसको अपने को ढूंढना है। तो अभी ये जो मैं पढ़ूंगी रूब्रिक, ये अभी ध्यान से सुनो, क्योंकि मेरे हिसाब से किसी किसी को ये रूब्रिक काली ब्रह्म में है ये भी पता नहीं होगा। तो काली ब्रह्म जो है वो क्लेप्टोमेनिया में रहता है। क्लेप्टोमेनिया मतलब हमको नॉर्मली मालूम है कि चुराने की आदत है, लेकिन ये कौन सी भी ऐसी एडिक्शन हो सकती है कि जिस एडिक्शन के बाद उसको उसका बिल्कुल जरा सा भी गम पछतावा नहीं रहता, गिल्ट नहीं रहता, ऐसा बंदा ही रहता है। दूसरा अमेटिवनेस, अमेटिवनेस मतलब अरोजल ऑफ फीलिंग ऑफ मॉर्बिड सेक्सुअल डिजायर, इसमें बहुत ज्यादा मॉर्बिड सेक्सुअल डिजायर रहती है। सेक्सुअल मतलब सेक्सुअली नहीं लेना, एनी प्लेजरेबल थिंग, तो उसका डिजायर उसमें बहुत ज्यादा मॉर्बिड लेवल पे रहता है। अब ये रूब्रिक सुनो आप, निम्फोमेनिया मेंसेस ड्यूरिंग, अभी निम्फोमेनिया मतलब अनकंट्रोलेबल एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर, और वो भी कब, मेंसेस ड्यूरिंग, मतलब जब प्रोहिबिटेड टाइम रहता है, प्रोहिबिटेड सिचुएशन रहती है, तब उसमें ये एक्सेस डिजायर रहती है। मतलब आप सोच सकते हो ये कितना गड़बड़ गड़बड़ कौन से लेवल पे करने वाला बंदा है। तो गिल्ट तो नेचुरली इसके में आने ही वाला है बाद में। आगे का है लेसिवियस, लेसिवियस मतलब फीलिंग रिवीलिंग एन ओवर्ट सेक्सुअल इंटरेस्ट डिजायर विच इज हाईली इन अप्रोप्रिएट, मतलब जो उस सिचुएशन में इन अप्रोप्रिएट है, ऐसी चीज की उसकी बहुत ज्यादा डिजायर्स रहती है। अल्कोहोलिज्म, अल्कोहोलिज्म ये भी हमने मेटाफर में, ये अभी लास्ट टाइम मैंने ये सब चीजें क्लिक की है क्लियर, लेकिन फिर भी बोलती हूँ जिन्होंने नहीं सुना, ये अपने रेपेटरी में हर एक चीज जो है उसका मीनिंग मेटाफरिकल रहता है। मतलब अल्कोहलिज्म मतलब अल्कोहल पीने वाला ही, ऐसा बिल्कुल नहीं लेना है हमने। अल्कोहलिज्म ये किसी भी चीज का हो सकता है, गेम का हो सकता है, फूड का हो सकता है, मोबाइल का हो सकता है, किसी चीज में भी वो जो है बहुत ज्यादा डूब जाता है, उसके बगैर वो रह नहीं सकता, तो उसको हम अल्कोहलिज्म ले सकते हैं। तो मतलब इसमें ये भी चीज आती है। देन अभी देखो, सब तो गड़बड़ कर लिया है इसने, लेकिन आगे क्या करता है ये, फॉरगेटफुल सेक्सुअल एक्सेस आफ्टर, और फॉरगेटफुल मॉर्निंग वेकिंग ऑन, मतलब सब मजे कर लिए, सब कर लिया है, लेकिन बाद में भूल जाना, कुछ भी याद नहीं रहता उसको सुबह उठने के बाद, मतलब उसको याद रखना नहीं है, मतलब वो गिल्ट जो है उसमें अभी तक डेवलप नहीं हुआ है, मतलब मजे करने हैं, रात गई बात गई, ऐसा उसका थॉट प्रोसेस रहता है। तो इसके वजह से मॉरल फीलिंग वांट ऑफ में भी जाता है, मतलब डिग्री कर लेनी है, चीटिंग करनी है,
क्या यार, मैं थोड़ी करता हूँ, सारी दुनिया करती है, उसमें क्या हो गया मैंने कर लिया तो। ऐसे ये चीजें ग्रेंटेड ग्रेंटेड लेके करते रहता है। रिलीजियस अफेक्शन, वॉन्ट ऑफ रिलीजियस, मतलब सेक्सुअल फेवर कर दिया किसी पे, या कुछ भी ऐसी चीजें कर दी कि जिससे उसका काम हो रहा है, उसका प्लेजर मिल रहा है, तो वो बिल्कुल बिंदास कर लेगा ये सब चीज। अभी इतना सब करने की पावर आती कहाँ से है इसमें? तो इसमें हम देखेंगे कि डेल्यूजन वेल्थ ऑफ काली ग्रुप अगर हम लोग देखते हैं तो सिर्फ सिंगल काली ब्रोम है जो वेल्थ में है। तो डेल्यूजन वेल्थ ऑफ यानी ये जो करने की अगर मुझे बैकिंग है तो मैं कुछ करूंगी ना, अगर मुझे बैकिंग नहीं है या मेरे में वो पावर नहीं है तो मैं तो ऐसे गलत चीजें करूंगी नहीं है। तो ये पावर कहाँ से आती है उसका वहाय हमको देखना है। तो ये वहाय जो है उसमें है डेल्यूजन वेल्थ ऑफ, सेकेंड है उसमें डेल्यूजन लेक्स वेयर ऑल ओवर द साइड वॉक। अभी इसका मीनिंग समझो, ये भी सिंगल रेमेडी रूपरेखा है। हम रास्ते से जाते हैं तो रास्ते के आजू बाजू फुटपाथ रहता है, उसको साइड वॉक बोलते हैं। तो ये अगर साइड वॉक से चल रहा है तो इसको लगता है सब मेरे ही बाप का है, किसी और का नहीं है, मैं किसी को जाने नहीं दूंगा, मतलब मेरे पैर हर तरफ फैले हुए हैं। अगर उसको ऐसा लगता है तो वो सोचो कितने हवे में उड़ता होगा। तो इसमें अपने को रूब्रिक मिलेगा डेल्यूजन फ्लोटिंग एयर इन द, मतलब इतना हवा में रहता है तो इसलिए इससे उसको लगता ही नहीं कि मैं गलत कर रही हूँ और गलतियां करते रहता है। दूसरा उसमें और रूब्रिक है डेल्यूजन, ही इज अंडर अ सुपर ह्यूमन कंट्रोल, ह्यूमन के ऊपर सुपर ह्यूमन रहता है, मतलब जो ह्यूमन भी नहीं कर सकता ऐसे आदमी का मेरे ऊपर कंट्रोल है, मतलब मैं क्या क्या कर सकता हूँ। और एक रहता है इसमें डेल्यूजन एक्सपीरियंस थॉट एवरीथिंग हैड बीन बिफोर, मतलब मुझे सब पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आई नो एवरीथिंग, क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है। और ऐसे इसमें बह के ये सब चीजें ये शुरुआत में करते रहता है। और ये भी सुनो कि मैंने लास्ट टाइम ये भी बोला था कि ये जो जर्नी है, ये जर्नी हमको मतलब पेशेंट आया है तो मतलब ये करके ही आया है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कौन से भी फैसेट में, कौन से भी स्टेज पे अपने पास पेशेंट आ सकता है। तो इसलिए ये नहीं कि ये पेशेंट में ये नहीं था तो क्यों काली ब्रोम देना, ये नहीं सोचना है हमने, लेकिन ये समझने के लिए कि क्या हो सकता है। और जैसे हम लोग डीडी करते हैं तो डीडी करते टाइम मैं बोलूंगी आपको कि ये कैसे कोरिलेट होता है। तो जब भी ये वेल्थ के बारे में बोलता है तो जब से हमको बहुत ऑब्वियसली फॉस्फरस में, सल्फर में उसकी वेल्थ दिखती है, वैसी वेल्थ इसमें नहीं दिखती अपने को, क्योंकि वो थोड़ी सबटल रहती है, लेकिन उसके लैंग्वेज में, उसकी बातों में ये सब चीजें हमको थोड़ी सी झलकती है। कैसे वो तो सुन, आई एम टैलेंटेड, आई एम बेस्ट, आई एम एलिजिबल टू मूव, आई एम रिच इन रिसोर्सेस, आई हैव नॉलेज, आई हैव फेथ एंड बिलीव इन अलमाइटी, अलमाइटी इज गॉड। तो ये सब अगर है तो उसको खुद में भी बहुत ज्यादा विश्वास आ जाता है। और ये भी उसमें एक है कि उसके बॉडी पार्ट्स भी एनलार्ज हो गए, डेल्यूजन एनलार्ज बॉडी पार्ट ग्रोइंग इन टू लॉन्ग। बॉडी पार्ट मतलब क्या होता है, बॉडी इज अ फंक्शनिंग यूनिट है, वो हर छोटी छोटी चीजों का बना हुआ रहता है। वैसे हमारा जो रहता है, हमारा आईपीआर है, फैमिली है, हमारे सोशल सर्कल है, इन सब से मिलके हमारी बॉडी बनती है। तो जब उसको लगता है कि ये बहुत ज्यादा मुझे सपोर्टिव है, तब वो वेल्थ में चला जाता है। लेकिन उसके फैमिली फ्रेंड्स, इसके वजह से वो क्या करता है कि एकदम विदाउट रेस्ट्रिक्शन लाइफ जीता है, बिंदास्त जीने का। लेकिन फिर जब आगे चल के, और कैसा रहता है ना कि दुनिया गोल है, कर्मा हिट्स यू बैक, वैसे इसका भी कर्मा जो है इसको हिट करता है। तो जब कोई डिसीज आता है या सिचुएशन आती है, फेल्यूर आता है, तो उसको जो उसका नसीब उसको प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो उसकी लैंग्वेज कैसे रहती है सुनो। वेल्थ भी है और गिल्ट भी है और मोर्निंग फेट भी है। कैसे रहता है, मेरी औकात है बॉस बनने की लेकिन मैं एम्प्लॉय का ही काम कर रहा हूँ, मेरी औकात है मर्सिडीज में घूमने की लेकिन सिंपल कार में घूमना पड़ता है, मतलब वेल्थ इतनी है मेरी लेकिन ये करना पड़ता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द फेट, बिकॉज ऑफ द गॉड वेंजियंस, मेरा नसीब ऐसा क्यों है, कौन से पापों की, कौन से कर्मों की मैं सजा भुगत रहा हूँ। ये जो है ये इसके साथ मॉर्निंग फेट के साथ लाइट डिजायर थोड़ा कंटिन्यू चलता है इसके साथ, ये क्वेश्चन वो पूछता रहता है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है काली ब्रोम का, कि उसकी फैमिली जो है, वो पेरेंट्स जो है वो थोड़े रिलीजियस रहते हैं, थोड़े प्रिंसिपल्ड लोग रहते हैं। तो शुरुआत से ही यानी बचपन से ही ये सब उसको रेस्ट्रिक्शंस भी रहती है और ये सब चीजें उसको पढ़ाई हुई भी रहती है।
तो इसके चलते उसमें थोड़ा वेल्थ डेवलप हो जाता है और थोड़ा कॉन्साइंस भी उसका डेवलप हो जाता है। तो लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसे प्यूबर्टी आती है ना, तो अब लोग हम लोग समझ सकते हैं कि जब प्यूबर्टी आती है तो कुछ चीजें हम समझ के भी अनसमझ हो जाते हैं, अनकंट्रोल हो जाते हैं, वो करने की वो क्यूरियोसिटी, वो डिजायर बढ़ जाती है, और इस गड़बड़ में उसके हाथ से ये थोड़ी थोड़ी चीजें जो है वो छूटने लगती है, और फिर वो ये सब चीजें जो है हमने शुरुआत में देखी उसमें बह जाता है। लेकिन फिर एंजाइटी कंसाइंस है, फैमिली प्रिंसिपल है, और डिल्यूजन, अभी इंजुरी भी उसको शुरू हो गई है, थोड़े 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 झटके लगने लग गए, तो फिर सोचता है यार ऐसा क्यों हो रहा है, दिस इज लाइफ डिजायर। तो कालीब्रोम जो है वो डिल्यूजन सीन में नहीं है, ब्लैस्फेमी में नहीं है, उसे लगता ही नहीं है ये चीज पाप है जब वो करता है तब, क्योंकि वो एंजॉय करता रहता है ये चीजें, और क्योंकि उस मेरे पास वेल्थ है तो मैं करूंगा ये एंजॉय, इसलिए वो इसमें नहीं है। लेकिन बिकॉज ऑफ कंसाइंस, और उसको मालूम है कि कहीं ना कहीं कंसाइंस को अपने मालूम रहता है कि हम गलत कर रहे हैं, तो फिर उसको ये, और उसमें ब्रोमियम है, काली के साथ ब्रोमियम है, तो ये गिल्ट बैठता है, और ये गिल्ट की वजह से अपने पास ये आगे के रूब्रिक आते हैं। अब ये सुनो, डेल्यूजन ही इज द ऑब्जेक्ट ऑफ गॉड वेंजियंस, डेल्यूजन ही इज फोरसेकन बाय गॉड, डेल्यूजन मनी सीव्ड अप इन क्लोदिंग, कंफ्यूजन ऑफ माइंड आइडेंटिटी एज टू हिज, डेल्यूजन डेड चाइल्ड वॉज हर, देन डेल्यूजन डेंजर इंप्रेशन ऑफ। अब समझते हैं रेमेडी के ये सब रूब्रिक, अभी कैसे है ना कि एक माला रहती है जब हम पढ़ने बैठते हैं, तो एक अलग 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 ऐसा रूब्रिक नहीं पढ़ा जा सकता है, तो ये जब सर्कल सब बनता है तो अपनी रेमेडी भी कंप्लीट होती है, और ये सर्कल हम लोग सब समझेंगे तो हम वो रेमेडी में प्रॉपर हिट कर सकेंगे, प्रॉपर सिमिलिमम दे सकेंगे। अभी समझते हैं हम लोग वेंजियंस क्या होता है। तो वेंजियंस जो है ये फीलिंग रहती है, रिवेंज जो है ये एक्शन रहता है, तो वेंजियंस क्या रहता है, फीलिंग ऑफ पनिशिंग और हार्मिंग समबडी इन रिटर्न ऑफ समथिंग बैड टू यू और योर फैमिली और फ्रेंड। शॉर्ट में अगर समझना है तो ये मेरे ऊपर भगवान का कोप हो गया है, तो इसलिए मुझे भगवान ने अकेला छोड़ दिया। अभी गॉड मतलब क्या है, गॉड मतलब नॉट नेसेसरी सिर्फ गॉड, गॉड मतलब जिसके हाथ में इसकी डोर है, वो उसका बॉस हो सकता है, उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, या फिर कोई सोशल एक्टिविटीज में है तो कोई उसका पॉलिटिशियन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। भगवान मेरे ही पीछे पड़ा है, मुझे अकेला क्यों कर दिया है भगवान ने, ऐसा उसको भी लगने लगता है। तो अभी आपका जो क्वेश्चन था सर कि डेल्यूजन मनी सीव्ड अप इन क्लोदिंग, तो पुराने जमाने में क्या होता था कि ऐसे हमारे जैसे बैंक लॉकर्स वगैरह नहीं रहते थे, तो ये लोग क्या करते थे, जो उनका पैसा था तो वो पैसा जो है वो कपड़े में सील के रखते थे, तो समझ में नहीं आता था चुराने वालों को क्या है कैसे है। लेकिन ये कितना सुंदर, यानी हमारे जो दिग्गज लोग हैं जिन्होंने ये रेपेट्री बनाई, मेरे को बहुत अचंभा होता है बहुत बार पढ़ते पढ़ते कि इतने पुराने जमाने में उन्होंने कितना ज्यादा डीप सोचा है, कि ये कितने सुंदर रूब्रिक बनाए हैं कि जो बराबर परफेक्ट बैठते हैं अपने पेशेंट को। तो मनी मतलब क्या होता है, अब तक जो इसका वेल्थ था, जो इसकी वर्थ थी, उसका जो इंटेलिजेंस था, ये इसकी मनी हो गई, उसकी वैल्यू हो गई। और क्लोदिंग क्या है, हम लोग क्लोदिंग क्यों पहनते हैं, हमारी डिग्निटी छुपाने के लिए, नहीं तो पहनने की जरूरत भी नहीं थी। तो फिर इसको क्या लगता है कि अभी मेरा जो भगवान है वो दुश्मन बन गया है, अभी दुश्मन बन गया, उसने मेरे ऊपर कोप कर दिया है, तो मेरे जो रिसोर्सेस है, मेरी जो वेल्थ है, वो मैं किसी सिचुएशन के वजह से, किसी बीमारी की वजह से यूज नहीं कर पा रहा हूँ। समझो आपके पास मनी है या कुछ भी चीज है, और वो मैं बांध के रख दू एक जगह लॉकर में रख दू, और आपको वो जरूरत है लेकिन आप यूज नहीं कर सकते हो, दैट इज दिस रूब्रिक। तो उसके क्या से आते हैं, कैसे पेशेंट आते हैं हमारे पास, वो देखेंगे। अभी हमारे पास देखो, अभी ये आप सुनोगे तो समझोगे कि ऐसे पेशेंट हमारे पास कितने फ्रिक्वेंटली आते हैं, या हमारे काफी रिलेटिव्स की भी ये सिचुएशन है, काफी ओल्ड एज पेशेंट है जो आते हैं फिजिकल कंप्लेंट्स लेके, तो उनका से क्या रहता है कि मुझे जरा सी भी तकलीफ नहीं थी डॉक्टर साहब, अब तक मैं एकदम अच्छा था, तो ये उसका हो गया सबटल वेल्थ रहता है उसका। और उसके साथ में अभी क्या हो गया, अभी खाने पीने के दिन आ गए तो ये बीमारी आ गई, मतलब अगर मराठी में भी फिर से एक से है, दांत आहे तर चणे नाही आणि चणे आहे तर दांत नाही, मतलब अभी मेरे पास दांत है तो चना नहीं है खाने के लिए,
और जब चना था तो दांत नहीं है, मतलब एक है तो एक नहीं है, मतलब जो चीज है मैं उसे यूज नहीं कर पा रहा, तो कैसे रहता है। काफी बार ये ओल्ड एज जब होते हैं पेरेंट्स, तो ये अपने पेरेंट्स अपने प्रॉपर्टीज जो है बच्चों के नाम कर देते हैं, या तो फिर किसी ऐसे बैंक में फ्रॉड बैंक में डाल देते हैं कि जहाँ पे पैसा उनका चला जाता है, या किसी को दिए वो रिटर्न नहीं कर रहा है, या तो आपने कुछ प्लॉटिंग ले लिया, कुछ ले लिया उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया है, लेकिन सही में अभी आपको जरूरत है उस चीज की तो आप यूज नहीं कर पा रहे हो, मतलब आपके पास वो चीज है मतलब वो, लेकिन वो कुछ भी यूज की नहीं है, वो स्यूड हो गई है। और दूसरा रूब्रिक इसमें आएगा डेल्यूजन चाइल्ड डेड इज हर, मतलब ऐसे बच्चे हो के क्या फायदे के, डेड मतलब अभी ये हमने लास्ट टाइम फिर से इसलिए मैंने बोला था कि पढ़ो, लास्ट टाइम हमने कौन सा रूब्रिक देखा था ओरमूर नेट में, किसी को याद है? हेलो सो गए दे तो मुझे हेलो। हाँ मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, सॉरी बीच में इंटरप्ट करी मैम। जैसे ये रूब्रिक मुझे भी पता था कि डिल्यूजन सीड, लेकिन मैम जब केस आपका पढ़े तो उसमें कहाँ ये अप्लाई करना है वो चीज क्लिक नहीं हुई। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा आकर बोलता है कि मेरे पास तो बहुत सारे टॉयज है लेकिन मम्मा खेलने नहीं देती है, मतलब और क्या सिचुएशन में हम ये अप्लाई कर सकते हैं वही रूब्रिक बोल मैम? रही हूँ मैं मैडम, आगे बोल रही हूँ, लेकिन मैं ये पूछ रही थी कि इसलिए मैंने आपको यानी डेड का मतलब समझने के लिए मैंने बोला था कि आप पिछला सेशन सुनो, तो उसमें हमने देखा था डेल्यूजन डेड मदर इज, तो यहाँ पे क्या है, मदर नहीं है चाइल्ड है, तो यहाँ पे मेटाफरिकल मीनिंग क्या होता है डेड का, कि मतलब होके ना होके बराबर है मेरे लिए, तो मतलब ये बच्चे हैं मेरे लेकिन ये कुछ काम के ही नहीं है ना, या तो काफी पेरेंट्स की ऐसी कंडीशन हो गई कि वो इंडिया में है उनके बच्चे फॉरेन में चले गए हैं तो वो होके कुछ काम के नहीं है उनके, तो और क्या सिचुएशन में हम ये सोच सकते हैं वो सुनो अभी आप। या उसको पहले कैसा था कि मेरे पास बहुत गरीबी थी, पैसे नहीं थे कुछ खरीदने के कुछ खाने के, तो तब सब मेरा हेल्थ अच्छी थी, लेकिन अभी क्या हो गया, डायबिटीज हो गया है, हाइपरटेंशन हो गया है, किडनी का प्रॉब्लम हो गया है, मतलब अभी इकोनॉमिकली स्टेबल हो गए हैं लेकिन वो चीजें जो है वो खा नहीं सकते हैं, मतलब क्या हो गया कि जो रिसोर्सेस थे वो बंद हो गए इनके, तो यहाँ पे भी मनी इश्यू हो सकता है। या पहले डॉक्टर जब मैं जवान था तो बहुत एंजॉय करता था, बहुत इधर उधर जाता था, सेक्स करता था, अभी खुद की वाइफ आ गई है लेकिन अभी ईडी बैठ गया है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया है, मतलब है उसके साथ पास सब चीजें लेकिन यूज नहीं कर पा रहा है उसकी चीजें, कब तब मैं इंजॉय कर रहा था अब कर नहीं पा रहा हूँ, क्यों, क्यों मनी स्यूड हो गया है उसका। और दूसरा क्या है, उसके साथ ही साथ उसके दिमाग में कंटिन्यू ये सबकॉन्शियस माइंड है हमारा, तो सबकॉन्शियस माइंड को भी हम अगर पॉजिटिव थॉट्स देते हैं तो वो पॉजिटिवली करता है, तो इसके ये इतना सफर क्यों होता है, ये हमारे लाइफ में भी हमने समझना चाहिए कि हमने ये सबकॉन्शियसली भी निगेटिव थॉट नहीं देने हैं खुद को, ये इसके दिमाग में तब से बैठ गया है इंजुरी जब से बैठी तब से, कि गॉड वेंजेंस ले रहा है, गॉड वेंजेंस ले रहा है, तो नेचुरली वो चीजें जो है उसकी लाइफ में वैसे वैसे होने लगती है, तो ये जो है थॉट प्रोसेस का भी इफेक्ट रहता है और ये इसके लाइफ का जो कर्मा का भी फल रहता है, तो इसके वजह से क्या होता है कि मेरे ऊपर भगवान का कोप हो गया है, इसकी वजह से मैं नहीं हो पा। और अभी हमने फिलहाल देखा कि कोविड में देखा हम लोगों ने, या कोविड होता है या सडनली एक आधा एक्सीडेंट हो जाता है कि जिसमें हमारे बहुत लव्ड वन लोग, स्पेशली जब चाइल्ड इनका डेथ हो जाता है, ये एक्चुअल डेथ है अभी, तो तब भी हम लोग ये रूब्रिक लगा सकते हैं, लेकिन कब, जब पेशेंट बोलेगा कि कोविड में मेरा जवान बेटा चला गया, मैं अकेला ना जाने क्यों रह गया, ना जाने भगवान की सजा मुझे कौन सी चीज की सजा दे रहा है, मैं क्यों ये भुगत रहा हूँ, ये जब उसके साथ आएगा तब हम लोग सोचेंगे ये चीज। फिर जीते जी मदर इन लॉ फादर इन लॉ या किसी को भी टॉर्चर किया बहुत ज्यादा, तब उनका केयर नहीं किया, तब उनको निग्लेक्ट किया, लेकिन उनकी डेथ हो गई है, डेथ होने के बाद इसको कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो पहले तो दिमाग में कंसाइंस है इसके, तो लगेगा कि मैंने तो गलत किया है मालूम रहता है इसको, लेकिन जब इंजुरी बैठने लगती है तब ये कैलकुलेट करता है कि अरे ऐसे क्यों हो रहा है, तब उसको समझता है कि अरे ये तो गॉड वेंजेंस है, मैंने तब गलती की, मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ को मैंने बराबर नहीं किया इसलिए मैं अभी सफर कर रहा हूँ। तो फिर तो ये जब पेशेंट बार बार बोलता है अपने को कि ये मैं मेरे बड़े गुनाहों की सजा भुगत रहा हूँ, फिर मेरी इतनी सफरिंग पीछे क्यों पड़ गई है,
काफी बार ये तो पेशेंट खुद से बताता है अपने को, या तो फिर आईपीआर से अपने को पता चलता है, या तो फिर अपने जो केस में आप बोल रहे थे मैडम अभी, तो अपने केस में पेशेंट इतना क्लियरली नहीं बोल रहा है ये चीज, लेकिन हम जब मेडिसिन पे आ गए तो हमने हमको प्रॉपर एनालिसिस इवेल्युएशन करके फिर ये क्वेश्चन मैंने पेशेंट को पूछा, तब अपने को वो आंसर बराबर दिया। अभी आप सोचो ना, अगर मेरी कुछ चीजें बुरी है तो मैं क्यों अपने मुंह से बोलूंगी ना, तो वैसे पेशेंट भी अपने जो रॉन्ग कर्मा है या रॉन्ग मेरे कुछ थॉट प्रोसेस है वो आपको क्यों बताएगा, तो इसके पीछे थोड़ा अपना फिर एनालिसिस इवेल्युएशन में आना चाहिए। ठीक है, चलो सब मेरे साथ है। यस हेलो, मैम, यस तो मैम, इसके पैरेलल रूब्रिक क्या आते हैं अभी, एंग्जायटी, कंसाइंस ऑफ एंग्जायटी, रिप्रोचिंग ऑफ वन सेल्फ। तो इसके साथ में अगर गिल्ट आता है तो गिल्ट के साथ क्या आएगा, क्राइम आएगा। इसको क्या लगेगा, डेल्यूजन क्राइम कमिटेड ही एड कमिटेड क्राइम, ना जाने भगवान मुझे माफ भी करेगा या नहीं, मैंने ऐसा जो क्राइम किया है। क्राइम मतलब ऑफेंस और एक्शन विच इज पनिशेबल, पनिशेबल जब रहती है जब मैं गलत करती हूँ तब पनिशेबल रहता है। तो गलती क्या की इसने, डेल्यूजन ही हैज निग्लेक्टेड हिज ड्यूटी। अभी ये भी हो सकता है कि शादी हो गई है लेकिन फॉरेन में या दूसरी जगह पे कहीं पे ये नौकरी कर रहा है, तो घर पे बच्चे हैं, वाइफ है, लेकिन इसने वहां पे भी बहुत ज्यादा मजे मारे, वहां पे किसी सब जो दूसरी लेडीज के ऊपर उसने पैसे उड़ाए, और अभी वो लेडी पैसे नहीं दे रही है, मतलब वो तब उसने ड्यूटी भी निग्लेक्ट की, उसके हस्बैंड अपने उसके वाइफ और बच्चों की तरफ जो ड्यूटी करनी थी वो भी नहीं की। दूसरा एंजाइटी कंसाइंस है, तीसरा जो है उसका मनी जो है वहां पे स्यूड हो गया है, और अभी इसको वो गिल्ट का पनिश क्राइम लग रहा है कि मैंने क्राइम कर लिया है तो भी मुझे पनिशमेंट मिलेगी, तो यहाँ पे भी काली ब्रोम आ सकता है। आगे का आएगा रूब्रिक हमारे पास सैडनेस इम्पोर्टेंस विथ। अभी इम्पोर्टेंस का मतलब समझेंगे हम लोग, इम्पोर्टेंस मतलब क्या, लैकिंग पावर स्ट्रेंथ कांट मेंटेन द इरेक्शन टू परफॉर्म, मतलब सब सुविधा है लेकिन उसका यूज करने का जो स्ट्रेंथ है पावर है वो अभी चला गया, अभी शुरुआत में इम्पोर्टेंट हो गया है। तो दो ही लाइन की केस है, लेकिन उसमें देखो कितने रूब्रिक आ जाएंगे। अभी एक लड़की है, उसके पेरेंट्स ने उसके ऊपर काफी ज्यादा सारा पैसा लगा दिया है, पेरेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा गरीब है और इसको सिटी में पढ़ा रहे हैं, लेकिन पढ़ाने के टाइम इसने पढ़ा नहीं क्योंकि विलेज में वो एंजॉयमेंट नहीं था, वहां पे सब मिल रहा था, तो वहां पे वो पैसे भी उड़ाए, जो पढ़ाई करनी थी वो भी पढ़ाई नहीं की, अभी उसको फेल्योर के चांसेस आ रहे हैं। तो अभी उसको बाकी भी हेल्थ इश्यूज भी शुरू हो गई है, तो पेशेंट पेशेंट डॉक्टर के पास आके बोलता है कि ना जाने डॉक्टर मेरे को किस चीज की सजा दे रहा है भगवान। तो यहाँ पे भी देखो कितने रूब्रिक लगेंगे, दो लाइन में, एलिमेंट फ्रॉम एम्बेरसमेंट है उसको, दूसरा एलिमेंट फ्रॉम बिजनेस फेल्योर है, जो उसका बिजनेस था स्टडी का था वो फेल हो गया है, एंग्जाइटी कंसाइंस है, रिप्रोचिंग वन सेल्फ पे, डेल्यूजन निग्लेक्टेड हिज ड्यूटी है, और डेल्यूजन क्राइम कमिटेड है, डेल्यूजन गॉड वेंजियंस है। मतलब हम अगर कोर समझते हैं तो ये दो लाइन में भी हमारे पास हमारा पेशेंट हमको मिल सकता है, लेकिन कोर इम्पोर्टेंट है उस चीज का। तो अब तक जो ये वेल्थ में था, तो अभी उसके झटके लगने लग गए, इंजुरी आने लगी, फेल्योर आने लग गया उसके लाइफ में। तो यहाँ पे जो रूब्रिक हमने पहले भी देखा था वो थोड़ा डिटेल में करेंगे। डेल्यूजन इंजुरी बिंग इंजोर्ड इज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है, यहाँ से काफी पेशेंट के में हम लोग एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि वो हो गया तब से मेरे को ये हो रहा है, ये उसका रहेगा, भले ही अपना पेशेंट का केस इनफर्टिलिटी का था, लेकिन फिजिकल कंप्लेंट्स की भी काफी पेशेंट इससे आते हैं। तो जैसे मैंने पहले भी बोला आपको, बींग मतलब ये प्रोसेस जो है वो गोइंग ऑन रहती है, एक के बाद एक चारों तरफ से कुछ ना कुछ चल रहा है। क्या चल रहा है, इंजुरी आ रही है, बीमारी आ रही है, पुलिस आ रही है, इनिमीज आ रहे हैं, गॉड आ रहा है, या पेन पीछे पड़ गया है, तो ये हम लोग ये जो रूब्रिक है ये सोच सकते हैं। तो सोचने और ये जब ये बोलता है कि सोचने लगता हूँ व्हाई आई एम फेसिंग सो मेनी फेल्यूअर्स और कंप्लेंट विच आई नेवर फेस्ड बिफोर, मतलब वेल्थ भी है लेकिन वो फेस भी कर रहा है, व्हाई आई एम टारगेटेड, मुझ पे सब टारगेट क्यों कर रहे हैं, तो इसमें मोर्निंग फेड भी आता है और डेल्यूजन इंजुरी बिंग इंजर्ड भी आता है। तो इसमें और एक बहुत बढ़िया रूब्रिक है वो सुनो आप, डेल्यूजन पास कैन नॉट पास अ सर्टन पॉइंट विदाउट फेलिंग, ये सिंग इसमें अर्जेंटम नाइट्रिकम और कालीब्रोम ये दो ही है, मतलब मेरे मुंह तक निवाला आ गया और मैं वो खा नहीं सका,
इतना थोड़ा सा ही चीज रह गया था और फेल्योर आ गया, थोड़ा सा ही रह गया था लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन इसके पीछे उसका जो गिल्ट है, उसका जो गॉड वेंजेंस, ये आना जरूरी है, तब ये रहने हम लोग लगा सकते हैं वो पेशेंट में। देन डेल्यूजन परसिक्यूटेड, ही इज परसिक्यूटेड, डेल्यूजन परस्यूड, ही वॉज एनिमीज बाय पुलिस बाय, देन डेल्यूजन परसिक्यूटेड, ही वॉज रॉबिंग अ फ्रेंड फॉर, अभी रॉबिंग का भी केस, रॉबिंग मतलब इलीगली किसी का प्रॉपर्टी लेना, इलीगल चीजें हैं वहां पे, क्राइम आता है, गिल्ट आता है, तो किसी दोस्त को फंसा दिया इसने या इलीगली उसका कुछ चीज ले लिया है, तो वहां पे भी ये रूब्रिक लगा सकते हैं। तो अभी आप लोग सोचो कि जो इतना ज्यादा वेल्थ में था, जिसके ऊपर इतना गॉड का, सुपर ह्यूमन का कंट्रोल था, उस जिसके इतने बॉडी पार्ट्स इतने इनलार्ज हो गए थे, तो उसका सडनली अगर भगवान का हाथ उठ गया उसके सर से, और उसके इतनी प्रॉब्लम्स आने लग गए, और उसको भी समझ में आने लग गया है कि ये तो भगवान का कोप हो गया है मेरे ऊपर, तो ऐसा अगर किसी के ऊपर आती है सिचुएशन, तो फटाक से क्या होगा, क्या लगेगा अपने को, मेरे पैरों तले की जमीन तो सरक गई, ऐसा लगेगा ना। तो इसका रूब्रिक है डेल्यूजन, ग्राउंड गेव वे बीनीथ हिज फीट, ऐसा लगता है डॉक्टर साहब कि जैसे मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई, अब तक मैं इतने मजे में था पता नहीं, लेकिन अभी ये क्यों होने लग गया। देन लाइफ डेल्यूजन, लाइफ थ्रेटन, लाइफ इज मतलब अनसेफ हो गई है उसकी लाइफ, और अभी डेथ तो बिल्कुल आनी है। डेल्यूजन अरेस्टेड, अरेस्ट कब होता है, जब मैं क्राइम करती हूँ तब अरेस्ट का फीलिंग आता है, विदाउट क्राइम अरेस्ट का फीलिंग आएगा नहीं। अरेस्ट मतलब अभी मेरे मेरे खुद का कुछ नहीं कर सकती, मुझे दूसरों के इशारों से चलना होगा, दूसरों के इशारे से मतलब अरेस्ट मतलब सोचो आप जेल में हो तो आपको पुलिस के हिसाब से चलना है, खुद के मन से नहीं चल सकती, और जब अरेस्ट हो जाता है तो फिर उसका नेक्स्ट रूब्रिक आता है डिल्यूजन डूम, मतलब बस अभी सब गया। तो इसके साथ में जो रूब्रिक आते हैं वो समझने के लिए मैंने मिक्स नहीं किए, तो थोड़े अलग रखे, तो ये फियर के रूब्रिक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है, यहाँ से भी हम लोग काफी बार पेशेंट के केसेस में एंट्री कर सकते हैं, इसमें से मैंने मेरे काफी पेशेंट क्योर हुए हैं। तो फियर के क्या रूब्रिक है इसके, फियर ऑर्डियल, फियर अलोन बींग, फियर डार्कनेस, फियर इंजुरी बींग इंजर्ड ऑफ, ये क्यों हो रहा है उसको, बिकॉज ही इज फोरसेकन बाय गॉड। तो क्या होता है, पेन और सफरिंग जो इसकी लाइफ में आती है तो वो गॉड की पनिशमेंट से आती है, उसको ऐसा लगता है। तो अब जब पनिशमेंट गॉड की वजह से आती है, तो जो भी इवेंट उसके लाइफ में आता है तो उसको ऑर्डियल लगने लगता है। तो अभी ऑर्डियल क्या है वो समझेंगे हम लोग। तो ऑर्डियल मतलब आप लोगों ने सुना होगा सीता माँ की अग्नि परीक्षा ली गई थी, तो अग्नि परीक्षा क्यों ली गई थी, तो इट इज अ टेस्ट विच इज गिवन डिवाइन, टेस्ट विच इज अ डिवाइन प्रूफ फॉर प्रूविंग योर इनोसेंस, मतलब आप इनोसेंट हो ये प्रूव करने के लिए जब आपको कुछ परीक्षा देनी पड़ती है उसको बोलते हैं ऑर्डियल। तो अभी ऑर्डियल मतलब सोचो कितने ऊपर लेवल का ये चीज होगी, कितने ऊपर लेवल की तकलीफ होगी पेशेंट को, मतलब ये पेशेंट जब मुझे बोल रही थी कि मैडम अभी भी दिल कांप जाता है, मतलब वो सोचू भी मैं तो अभी मैं मुझे ऐसा लगता है कि अभी वो मेरे साथ फिर से होगा, मतलब ऑर्डियल जो है वो एक बार आप लोग एक्सपीरियंस कर चुके रहते हैं और वो अभी फिर से करना है, ये सोच के जो आपको डर आता है दैट इज फियर ऑर्डियल। सिंपल, तो सिंपल में अगर आपको समझाऊं तो लेडीज को ज्यादा समझ में आएगा कि लेबर पेन जो है, तो इससे मेरे दो पेशेंट बहुत अच्छे से निकले हैं कि लेबर पेन में क्या होता है। अभी काफी बार मेरे पास प्राइमरी इनफर्टिलिटी के पास लिए पेशेंट आता है, तो कोई के पेशेंट सेकेंड टाइम कंसीव नेचुरली कर लेता है, लेकिन किसी किसी का कंसीव नहीं होता है, तो सेकेंड टाइम आता है या तो फिर फर्स्ट टाइम ही डिलीवरी के बाद बच्चा लेके दिखाने के लिए आते हैं, तो फिर वो सोच के ही बोलते हैं मैडम क्या पेन होता है, बस अभी मैं दूसरा बच्चा नहीं होने दूंगी, और बहुत बार ऐसा होता है कि वो डर से ये लोग दूसरा बच्चा भी नहीं होने देते। तो सोचो फियर ऑर्डियल कितने लेवल का होगा। जेंट्स को समझना है तो जेंट्स के लिए बीच में साइंटिस्ट लोगों ने ऐसे कुछ बनाया था अपरेटस की जिसके वजह से वो लेबर पेन महसूस कर सकते हैं, तो हार्डली 2-3 मिनट भी वो लोग बेयर नहीं कर सके थे, इतना लेबर पेन सीवियर होता है। तो लेबर पेन तो इसमें इसके साथ रूब्रिक भी है अपने लिए एंग्जाइटी प्रेगनेंसी, तो ये इसके साथ भी हम कोरिलेट कर सकते हैं नेचुरल लेबर के साथ, या फिर मेटाफरिकली अगर आपको समझना है तो मतलब मेरे दिमाग में काफी सारी आइडियाज है, कंसेप्शन हो गया है, लेकिन मैं प्रॉपर आपके अभी जैसे मुझे आज आपके सामने ये मेरे
मेरा जो सेशन है, मेरा जो लेक्चर है ये डिलीवर करना था, लेकिन अगर मेरे दिमाग में बहुत एंजाइटी होने लग जाए कि होगा कि नहीं, कैसे होगा, क्या होगा, तो दैट इज एंजाइटी प्रेगनेंसी, सादी सिंपल लैंग्वेज में. या आप कोई बिजनेस करते हो या कुछ भी करते हो, तो वो डिलीवरी करने के टाइम जो एंजाइटी है, दैट इज एंजाइटी प्रेगनेंसी, और उसके साथ में ये फियर ऑल्डी है, तो काली भ्रम आपका निकल जाता है. दूसरे बार बहुत पेशेंट आते हैं कि मैडम बहुत नी ज्वाइंट हो रहा है, नी ज्वाइंट पेन हो रहा है सॉरी, या पाइल्स का पेशेंट है, तो आज तो कैसे तैसे मैं जाके आ गई मैडम, लेकिन कल फिर से सुबह उठ के जाना, मतलब ऐसे जान पे आ जाता है वो और वो हमको दिखेगा पेशेंट के फेस के कि उसको वो कितना महसूस हो रहा है, तो दैट इज एम्बेरसमेंट भी रहती है उसमें और फियर ऑर्डियल भी रहता है उसको कि अभी कल फिर से मुझे वो चीज फेस करने जाना है, तो अभी से मेरे आंग पे काटे आते जाते हैं. तो अगर काफी पेशेंट तो ऐसा बोलते कि मैडम उसकी वजह से मैं जाता भी नहीं हूँ, एस्केप अटेम्प्ट्स, तो इसमें भी आप काली ब्रोम सोच सकते हैं. अभी सोचो आपके कितने पेशेंट आपके दिमाग में आ रहे होंगे. आप हमको लगता है रेमेडी ऐसी है, लेकिन हम प्रॉपरली पढ़ते हैं, कोर समझते हैं, तो मिस होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं. ठीक है, फिर अभी सब गड़बड़ हो रहा है ये सब, तो अभी तकलीफ भी आ रही है, भगवान ने भी हमारे ऊपर कोप कर दिया है, तो नेचुरली अभी क्या करेंगे हम लोग, इससे निकलने की कोशिश करेंगे, छटपटाएंगे इससे निकलने के लिए. तो इसके लिए बहुत सुंदर रूब्रिक है, इसमें रेस्टलेसनेस मूव मस्ट कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली उसके दिमाग में आपको थोड़ा रेस्टलेसनेस दिखेगा. और स्पेशली जो है ना काली ब्रोम का ये अभी रूब्रिक है, इतना मैं बोल नहीं सकूंगी, जस्चर्स हैंड्स इनवॉलंटरी मोशंस ऑफ फिंगर्स, ऐसे ऐसे करते रहता है वो. ये सिंगल रूब्रिक है इसमें, और देखा गया है दो तीन पेशेंट में मैंने देखा है दूसरे डॉक्टर्स के. तो रेस्टलेसनेस मूव मस्ट कॉन्स्टेंटली, लाइट डिजायर फॉर, लाइट डिजायर तो समझो आपको मैंने काफी बार आया है इसमें, एस्केप डिजायर टू, और इसलिए उसको सबको पूछ सॉल्यूशन पूछेगा, क्यों हो रहा है ऐसा मेरे साथ, क्यों हो रहा है ऐसा मेरे साथ. और उसका एक रूब्रिक है सिटिंग इंक्लिनेशन टू सीट इन बेड एंड विल नॉट लाई डाउन, मतलब कंफर्टेबली वो लाई भी नहीं कर सकता, इतना ज्यादा अभी वो रेस्टलेस हो गया. ये भी सिंगल रेमेडी रूब्रिक है इसका, तो ये मेटाफरिकली भी यूज हो सकता है, या ऐसे भी उसको पेन है उसके लिए वो सो नहीं पा रहा है, तो वैसे भी हम लोग यूज कर सकते हैं. अभी भगवान ने ही कोप कर दिया है, तो भगवान को अगर मैं प्रसन्न करूंगी तो मेरा कुछ तो कम हो जाएगा, तो इसलिए ये चला जाता है रिलीजियस अफेक्शन टू ऑक्यूपाइड विथ रिलीजन. इतनी ये अपने पेशेंट में भी था, फॉलोअप में मैंने पूछा था उसको, तो उसने बोला था कि ये हमारे महाराष्ट्र में क्या रहता है, स्वामी समर्थ का काफी लोग करते हैं, तो क्या है मैडम उनका जो बताया हुआ है वो जब तक नहीं मैं करती, तब तक मैं पानी का बूंद भी नहीं पीती हूँ, तब तक मैं निवाला भी नहीं खाता हूँ, तब तक मैं ये भी नहीं करता हूँ, ऐसी जब चीजें बोलते हैं तो आप ये रूब्रिक ले सकते हो. उसके बाद में आ जाता है इसमें हेल्पलेसनेस, तो हेल्पलेसनेस आफ्टरनून, ये कंप्लीट ट्रेपेट्री का रूब्रिक है, ये मुझे सर ने बताया, परवीन सर ने, बहुत सुंदर अपने केस में ये सूट हो रहा है. तो आफ्टरनून क्या होता है कि जब हमारी लाइफ की पीक सिचुएशन होती है, कि इसने क्या किया कि शादी कर ली, शादी के बाद दोनों ने अच्छे से कमाई कर दी, इसमें इंडस्ट्रियस रूब्रिक भी है, जो वो पहले स्टार्टिंग में उन्होंने बोला कि हमने बहुत काम किए, तो वहां पे इंडस्ट्रियस रूब्रिक भी आ सकता है अपना, और बहुत हार्ड वर्क किया इन्होंने, सेटलमेंट कर दिया, पीक पे चले गए उनके लाइफ के, जो थोड़ा बहुत उनके लेवल से पाना चाहते थे वो पा लिया अभी इन्होंने, तो फिर ये आफ्टरनून हो गई इनकी लाइफ की. लेकिन अभी हेल्पलेस क्यों हो गई है, उसे लगने लग गया है कि यार क्या हो गया, कुछ तो फल मिलना चाहिए था ना, पर मिल नहीं रहा है. हेलो, हाँ, जिसने मुझे अपना बनाया, मतलब जिसने मुझे सपोर्ट किया, मेरे जो पेरेंट्स थे वो भी मेरे लिए डेड हो गए, लेकिन जिसने मुझे ये सब किया उसके लिए मैं उसको जो चाहिए, उसके लिए जो प्रेशियस है वो मैं दे नहीं पा रही उसको, तो ये इसका हेल्पलेसनेस आफ्टरनून ही हो गया. और मॉर्निंग फेट तो हम देखा कि काफी बार वो कुछ ना कर पाए तो हर चीज वो नसीब पे डालता है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों सफर हो रहा हूँ, ये हो गया. तो अभी हमने शुरुआत में देखा रेड सैडनेस इम्पोर्टेंस विथ, मतलब तब कैपेसिटी थी लेकिन परफॉर्मेंस कर नहीं पा रहा था, अभी आ गया उसका मेनोपॉज. तो मेनोपॉज अगर हम समझते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन जो है वो टोटल बंद हो गया. अभी मेनोपॉज जब आता है हमारे लाइफ में, ये किसी भी लाइफ, और ये ऐसा नहीं कि मेल फीमेल रहता है, ये किसी में भी हो सकता है. तो पहले तो इम्पोर्टेंस था, चांसेस थे,
ट्राई करके कुछ कर सकता था, लेकिन अभी एंड ऑफ द रिप्रोडक्शन हो गया। तो अभी ये नेचुरली भी होता है, सर्जिकली भी होता है। सर्जिकली उफ्रेक्टॉमी कर दिया, हिस्टेरेक्टॉमी कर दिया तो भी होता है, या मेटाफरिकली समझो तो किसी ने ऐसा कर दिया। जैसे अभी हमने केस देखा कि पेरेंट्स हैं तो उनके बच्चे चले गए, अभी उनके हाथ पैर एकदम गए, काम से पड़े हैं बेड पे, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वो बच्चों को भी कोसेंगे, भगवान को भी बोलेंगे, और ये भी बोलेंगे कि कुछ नहीं कर सकते, अभी हाथ में तो कुछ भी नहीं रहा। तो दिस इज सैडनेस मेनोपॉज ड्यूरिंग। तो अभी जब ऐसी सब सिचुएशन होने लग जाती है, सब चारों तरफ से तुम्हारी तरफ ऐसी प्रॉब्लम आने लग गई है, तो नेचुरली क्या होगा फिर, ये जो आदमी है कि पता नहीं अभी डर जाता है, डर इतने ज्यादा बैठ गए, ऑर्डियल लेवल का डर उसके दिमाग में बैठ गया, तो वो बहुत नाराज हो जाता है भगवान से भी। और अभी उसको लगता है कि अभी रहूं तो किसके भरोसे रहूं, पता नहीं यहाँ से इंजुरी आएगी कि वहां से इंजुरी आएगी। तो ये सस्पिशियस लुकिंग ऑल साइड्स में चला जाता है, और उसको घर वालों को के भी ऊपर भरोसा नहीं रहता। उसको पता नहीं मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ऑफिस के कलीग ना जाने कौन सा ब्लेम डाल दे मेरे पे। जरूरी नहीं कि हर पेशेंट में हमको, जो मैंने बोला कि फर्स्ट अल्कोहलिज्म का और फिर लास्ट में ये फेज दिखे, बीच में भी ऐसे कई एक केस है कि जो एकदम सिंसियर आदमी है लेकिन उसके ऊपर ब्लेम डाल दिया गलत चीज का, और उसके वजह से वो बेचारा उसको जेल के चक्कर खाने पड़े, तो वो क्राइम कमिटेड में गया, डिल्यूजन वेंजियंस में गया, एम्बेरसमेंट में गया वो, देन रेपुटेशन लॉस। ये भी अच्छा उसका एक रूब्रिक है, एलिमेंट्स फ्रॉम रेपुटेशन लॉस ऑफ, तो इसमें ये भी आ सकता है कि दगा दे दिया तो फिर से वही चक्कर शुरू हो गया उसका, डिल्यूजन प्रोसिक्यूटेड, पर्स्यूड, डिल्यूजन अरेस्टेड। देन ये सस्पिशियस जब हो जाता है तो इसके दिमाग में ये भी डिल्यूजन आ जाते हैं कि डिल्यूजन कंस्पिरेसीज अगेंस्ट हर, डिल्यूजन इंसल्टेड ही इज, डिल्यूजन समथिंग वेयर रॉन्ग, डिल्यूजन रॉन्ग, एवरीथिंग गोज रॉन्ग। ये अपने पेशेंट में थ्रू आउट था, उसको समझ नहीं रहा था, लेकिन हम अगर रेट्रो में समझे तो ये चल रहा था हमारे पेशेंट में। पहले बेचारे ने उसको प्यार कर दिया, उसको शादी नहीं करने दी, वहां पे शादी कराई, वहां पे शादी कराई, तो और वो हस्बैंड सही में उसको मारता था, झोड़ता था, वो ऐसा नहीं कि उस पर गलत इल्जाम लगाया था। फिर यहाँ आ गई, यहाँ आ गई, तो और ये प्रोसेस बहुत ट्रेडियस रहती है, इंजेक्टेबल लो, इतने इंजेक्शन लो, पेशेंट यानी रोता है वो जब इंजेक्शन ट्रिक करते हैं, तो ये सब उसके साथ वो जो चल रहा था, ये प्रोसिक्यूटेड परस्यूड फीलिंग, और उसके साथ में ये भी था डिल्यूजन रॉन्ग, एवरीथिंग गोज रॉन्ग। Then delusion watched she is being, delusion policeman coming into her house, delusion he will be murdered। अभी सब तरफ से उसको, अगर भगवान ही नहीं है तो फिर किसके भरोसे रहने का, कहां से इंजुरी आ जाए वो उसका भरोसा ही नहीं अपने को। तो ये जब इतना इसके दिमाग में डर बैठ जाता है, अकेला हो जाता है, किस पे किसी के भरोसे ना रहे, कंस्पिरेसीज होने लग गए, तो उसको भगवान ने भी साथ छोड़ दी तो किस पे भरोसा करे। तो उसको फैमिली रिलेटेड कुछ रूब्रिक्स है, किल डिजायर टू किल लव्ड वन, उसको इच्छा होती है, मारता नहीं है, किल डिजायर होती है सिर्फ। रिकग्नाइज डज नॉट रिकग्नाइज हिज रिलेटिव्स बेकिंग ऑन, बेकिंग ऑन मतलब जब उसको होश आ जाता है, होश मेटाफोरिकली फिर से। देन डेल्यूजन शी इज अबाउट टू मर्डर हर हस्बैंड एंड चाइल्ड, उसके हस्बैंड या चाइल्ड का उसको मर्डर कर दू, उसको ऐसा लगने लगता है। तो सब अच्छा है, फिर भी किसी एक चीज के लिए वो ये और असमाधानी या असंतुष्ट रहता है और दुखी चेहरा रहता है। ये भी रूब्रिक से हम लोग एंट्री कर सकते हैं कालीब्रोम में, डिसकंटेड एवरीथिंग विथ, मतलब काफी बार ऐसा रहता है कि इसके साथ इसका हस्बैंड है लेकिन हस्बैंड सब केयर कर रहा है, सब है, लेकिन जो एक बच्चा नहीं है या जो एक बच्चा मर गया है उसी के लिए वो तरसेगी, लेकिन यहाँ पे तुझे जो केयर मिल रही है उसको क्यों तू नहीं देख रही, वो तो सब हो रहा है ना तेरा, लेकिन तू सॉरी डिसकंटेंटेड क्यों है तू उस चीज से। तो ये इससे भी काफी पेशेंट में रूब्रिक अपन एंट्री कर सकते हैं। देन इनकंसोलेबल, जब ये लेवल में चला जाता है तो उसको कितना भी आप लोग समझाओ वो समझने के इसमें नहीं रहता है। तो ऐसा अब जब टेंशन बढ़ने लगती है, सब चारों तरफ से प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, तो ये इसका सर जो है, माथा जो है वो डल होने लगता है। तो इसमें एक रूब्रिक देखेंगे हम लोग, डलनेस does not understand the question addressed to her repetition only after। तो बहुत बार ऐसा दिखेगा बधिर जैसे बैठे हैं हमारे सामने, हम दो बार चार बार पूछ रहे हैं, फिर उसका IPR भी बोल रहा है वो सुनो डॉक्टर क्या पूछ रहे हैं, तो तब आप ये रूब्रिक सोच सकते हैं। Then despair salvation for,
डिस्पेयर रिकवरी, आप अभी जो होप्स थे थोड़े बहुत भी, अभी भगवान ही चला गया तो वो होप्स क्यों रखने का, तो वो होप्स भी चले जाते हैं, तो उसमें सेल्वेशन में अपना रिकवरी के भी चांसेस उसके चले जाते हैं। सेल्वेशन मतलब मोक्ष, सिंपल लैंग्वेज में हम समझे तो ये ही नहीं मिल रहा, तो ये ही नहीं हो रहा, तो ये सोच के भी उसका जो माथा है वो सुन्न हो जाता है, इररिजोल्यूशन में चला जाता है। इररिजोल्यूशन मतलब जो पावर थे, पावर तो है पर इम्पोर्टेंस ही आ गई, कांट टेक अ डिसीजन बिकॉज फियर ऑफ इंजुरी, फियर ऑफ ऑर्डियर। फिर सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं, डेथ डिजायर फॉर आता है, देन डेथ प्रेजेंटिमेंट ऑफ, मतलब उसको लगता है अभी अगर ये सब चीजें हो रही है के बाद एक मेरी लाइफ में, मेरा फियर ऑर्डियल भी हो गया है, सैडनेस मेनोपॉज भी हो गया है, डिस्पेयर सल्वेशन भी हो गया है, तो अभी रह क्या गया, तो अभी नेचुरली तो डेथ आनी ही है मेरे इसमें। तो ये जो है ऐसा पेशेंट जो शुरू में वेल्थ में था, फिर मजे किए, फिर गिल्ट में गया, फिर गॉड वेंजेंस में गया, फिर डेल्यूजन मनी स्यूड अप इन क्लोथिंग में गया, फिर ऑर्डियल में गया, सैडनेस इम्पोर्टेंसी में गया, वहां से या तो लाइट डिजायर या तो डेथ डिजायर में चला जाएगा। ये इसका शॉर्ट में जर्नी था। तो अभी लास्ट में हमने जो जिस्ट किया था वैसा जिस्ट आज मैंने ना इसमें मुझे मिला है की नोट में, तो अभी मैं की नोट पढ़ रही हूँ, आप अच्छे से सुनिए। ये जो भी अभी तक मैंने जो भी बोला वो सब सब ये की नोट के 6-7 लाइन में आ गया है। तो की नोट क्या बोलती है, फीलिंग ऑफ मॉरल डेफिशिएंसी, रिलीजियस डिप्रेशन, डेल्यूजन हैज कमिटेड अ क्राइम, डेल्यूजन इज सिलेक्टेड फॉर डिवाइन वेंजियंस, ये कैपिटल बोल्ड लेटर में लिखा है इसमें, being pursued, conspiracies against him, being poisoned, imagines he can't pass a certain point, fear of being alone, especially at night, involuntary weeping and sighing, mania, insanity, paranoia, delirium, inability to express oneself, had to be told the word before he could speak it, mistakes in writing, omits words or parts of words, repeats misplaces words, dullness, difficulty of thinking and comprehending, पूरी तरह वो सब समझता ही नहीं। तो अब ये सब होगी अपनी रेपेट्री की, मटरेमेडी की लैंग्वेज, अगर सायराना लैंग्वेज में अगर समझते हैं हम इसको, तो दो शेर सुनाऊंगी मैं आपको, तो आपको इसमें उसका भी ये आ जाएगा समझ। कल भी मन अकेला था, आज भी अकेला है, जाने मेरी किस्मत ने कैसा खेल खेला है। और दूसरा, किस्मत के हर मोड़ पर एक हादसा है, मेरा हर ख्वाब साबित हुआ कच्चा घड़ा है। कच्चा घड़ा मतलब जो कभी भी फूट सकता है, अनसक्सेसफुल हो सकता है, कभी भी टूट सकता है। किस्मत के हर मोड़ पर एक हादसा है, मेरा हर ख्वाब साबित हुआ कच्चा घड़ा है, मुद्दतों से ना हुई मेरी कोई दुआ कबूल, शायद मुझसे रूठा हुआ मेरा खुदा है। इतना सुंदर इसने, बहुत ये अच्छा लगा इसलिए मैंने डाला। तो अभी जो भी हमारा हुआ, तो इससे ना मैं थोड़ा सा लिबर्टी लूंगी परवीन सर बोलने के लिए, क्योंकि चांस मिला है। तो ये टुडेज मॉरल ऑफ स्टोरी क्या है, कि जो भी गिल्ट है वो अंदर मत रखो, क्योंकि ये सफर क्यों हो रहा है, क्योंकि उसको गिल्ट फील हो रहा है। अगर इसको वो गिल्ट का फीलिंग नहीं रहता था तो वो आगे नहीं बढ़ता था, क्योंकि गिल्ट जो इमोशन है ना, ये बहुत वर्स्ट इमोशन है अपने लाइफ में, कि वो जो अपने को डेड बेड तक ले जा सकती, इतनी वर्स्ट इमोशन है, इसलिए अंदर रखो मत। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है एक्चुअली, ऐसा नहीं एक्सपेक्ट करूंगी कि सब आप लोग इससे एग्री हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब भी मैं रीडिंग करती हूँ कुछ भी, या अपने स्टडी का करो या कुछ भी करो, या प्रीवियस एंशंट फिलोसफी पढ़ो अपने जो पूर्वजों ने लिख के रखा है, तो ये एंशंट फिलोसॉफी और होम्योपैथी फिलोसॉफी ये गो हैंड इन हैंड। तो कई वर्षों पहले लिखे संतों के किताब अगर हम पढ़ते हैं, भगवद गीता पढ़ते हैं, तो हम समझेंगे कि वो कितने ज्यादा हमसे साइंटिफिकली इमोशनली अपडेटेड थे। चीजें उन्होंने जो तब बनाई थी वो हमारे पास सब फैसिलिटीज होके भी हम लोग बना नहीं सकते हैं। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है सब लोगों से कि हम जब हमारे जड़ों से जड़े रहते हैं ना, तो हमारी नींव अच्छी बनती है। तो ये जड़ जी जो है हमारी लाइफ की, ये फिलोसॉफी है, स्पिरिचुअलिटी है, तो इससे अगर हम जुड़ते हैं तो हमारी भी खुद की लाइफ भी अच्छी चलेगी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि खुद भी पढ़ो और अपने बच्चों को भी पढ़ाओ, क्योंकि मैंने एक बुक पढ़ा है, एक्चुअली वो बुक लिखा है एमबीबीएस डॉक्टर ने, उन्होंने ऐसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो सोचने लगे कि क्या कुछ भी लिखा है पूर्वजों ने उनके बुक्स में, ये मंत्र से ये होता है क्या, वो होता है क्या, तो वो उसमें चले गए। और जाने के बाद क्या हो गया कि उनको
उसके एक्सपीरियंस आने लग गए, तो उसके ऊपर उन्होंने बुक लिखी है कि ये साइंटिफिकली कितना ज्यादा अच्छा है। तो आज जो हम मेटाफोर पढ़ते हैं, जो साइकोडायनेमिक हम बोलते हैं, वो हमारे पूर्वजों ने पहले ही लिखा है कि सदैव सम रहो। सम रहो मतलब व्हाट? एक्सेप्ट करो, फॉरगिव करो, फॉरगेट करो। तो वो जो उन्होंने तभी बोला था, वो अभी हम सीख रहे हैं तो हमको लग रहा है बहुत अलग है। तो नेचुरली ह्यूमन बींग है, हम लोग डिस्टर्ब होते हैं, मैं भी नेचुरली डिस्टर्ब होती हूँ, होती नहीं ऐसे नहीं, लेकिन अगर हमारा अगर ये बेसमेंट है तो हमारे लिए संभलना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा डीडी बोलूं मैं, यहाँ क्लियर हो गया है आप लोगों का सब? अच्छा, और थोड़ा सा, एक थोड़ा सा बोल देती हूँ, प्रोलैक्टिनी में आकर बोलना था मुझे आज, उतना ही साइकोडायनेमिक करेंगे, बाकी नहीं करेंगे, बाकी नेक्स्ट टाइम करेंगे। ये पेशेंट के इसमें मैंने लिखा है, आपने किसी ने गौर किया होगा तो, कि पेशेंट का प्रोलैक्टिन लेवल जो था वो 40 था। तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ होम्योपैथी पढ़ते हैं। अगर किसी को मैं पूछूं कि आपको नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसके एंडोक्राइनल जो कंट्रोल है वो मालूम है क्या, तो शायद ही ज्यादा लोग बोल पाएंगे। तो मेरा कहना है, मतलब हम्बल रिक्वेस्ट है, कि थोड़ा इन्वेस्टिगेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि वहां से भी हम लोग एंट्री ले सकते हैं। तो ये पेशेंट का जो था ना, तो इसका प्रोलैक्टिन लेवल था 40। अगर नॉर्मल फॉर प्रोलैक्टिन लेवल देखते हैं हम, तो 25 to 30 तक रहते हैं, लेकिन ये जब क्रॉस कर जाता है वो 50 100 तक चला जाता है, तो पेशेंट पे पीसीओएस के चेंजेस आते हैं, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज आती है। तो प्रोलैक्टिन का नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्शन क्या है अपने लाइफ में? और तो प्रोलैक्टिन लेवल अगर बढ़ जाता है आप किसी लेडीज के बॉडी में, तो उसका काउंटर इफेक्ट क्या होता है, कि उसका उस्ट्रोजन लेवल और FSH जो लेवल है जो है वो कम, यानी उसका जो इफेक्ट फॉलिकल डेवलपमेंट में है वो हैम्पर हो जाता है, और उसके वजह से जो फॉलिकल है पेशेंट का, वो फॉलिकल प्रॉपरली तैयार भी नहीं होता है और रप्चर भी नहीं होता है। तो इसके वजह से क्या होता है कि बट नेचुरली पेशेंट कंसीव नहीं करता है। तो इसलिए हमको ये इन्वेस्टिगेशन करना है, हमको ये देखना है अभी प्रोलैक्टिन बनता कहाँ है, यानी हमको दिखता कहाँ है, कहाँ से है, पेशेंट के ब्रेस्ट में से दिखता है। तो इस पेशेंट में देखो कितना अच्छा कोरिलेट हुआ है साइकोडायनेमिक। तो ब्रेस्ट कहाँ रहती है? नियर हार्ट रहती है। तो हार्ट में हमारे इमोशंस रहते हैं, हार्ट रिलेटेड कोई भी इशू है अपने को, हाई बीपी है, कुछ भी है, तो हार्ट रिलेटेड जो लोग हैं उससे हम प्रॉब्लम होता है तो होता है। वैसे ब्रेस्ट का भी जो है वो इमोशनल है, इमोशन के पास, सॉरी, पास है, तो उसके रिलेटेड जब कोई इशू होता है तो होता है। तो इसके पेशेंट में क्या था, प्रोलैक्टिन कब बढ़ता है? जब हमारा स्ट्रेस बढ़ता है तब हमारा प्रोलैक्टिन बढ़ता है, या ब्रोकन हार्ट, हर्ट, सोरो, रिफ्यूजल टू नरिश हर सेल्फ और केयर फॉर हर सेल्फ, पुटिंग अदर इन फ्रंट ऑफ हर, मैं पीछे रह जाती हूँ, आपके लिए करना है, आपके लिए करना है, लॉन्गिंग फॉर अप्रिशिएशन, लॉन्गिंग फॉर लव, एंड गिल्ट ऑफ ओवर नॉट बीइंग एबल टू फॉरगिव अदर और वन सेल्फ। तो ये इसमें गिल्ट कहीं ना कहीं अपने पेशेंट में था, और प्रोबेबली यही कॉज था, इसने कुछ ज्यादा गड़बड़ की होगी शादी से पहले, इसलिए उसके पेरेंट्स ने भी उसको इतना ज्यादा फोर्स किया था शादी के लिए, यहाँ नहीं करना है, यहाँ करना है। तो ये सबकॉन्शियसली उसके दिमाग में गिल्ट बैठा हुआ था, उस गिल्ट से उसका प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ गया है, और उसी बिकॉज ऑफ दैट उसको ये सेकेंडरी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आई थी। तो यानी कहाँ से चीजें कहाँ जाती है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ये बोलने का लिबर्टी लिया था कि हमको नहीं सफर करना है हमारे लाइफ में, इसलिए हम लोग ये सोचे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा डीडी, मैं फटाफट बोल देती हूँ, इग्नेशिया बोले थे काफी लोग, नेट्रम भी बोले थे और स्टेपी बोले थे। तो इग्निशिया जो है वो तो माइल्डनेस में है, अलर्ट है, सेंसिटिव टू मॉरल इम्प्रेशन में है, डेल्यूजन मैरिज इज मैरिड एंड डेल्यूजन वो ब्रेकिंग कैन नॉट ब्रेक, वो मतलब जो एक बार जिसके साथ जुड़ जाती है उसी के साथ जुड़ जाती है। इग्निशिया ऐसे बाहर किसी के तरफ देखने की करने की कोशिश नहीं करती, तो ये पेशेंट भी नहीं करता था। दूसरा, इग्निशिया अपने बच्चे को नहीं छोड़ती थी, ये अपने बच्चे को छोड़ के चली गई थी, और किसी किसी ने लिया था एडल्ट्रस। तो एडल्ट्री कब होती है? जब पहले प्योरिटी होती है तब एडल्ट्री होती है। तो इसका जो था, तो ये तो पहले से ही उसके साथ में एंगेज थी, यानी उसके साथ अफेयर था उसका, और अभी उसको सिचुएशन वैसे आ गई इसलिए उसके पास गई थी, और कॉल पे सिर्फ उससे बात करती थी वो, उनका सेक्सुअल रिलेशन कुछ भी नहीं था दोनों का, ये उसके लवर का और उसका। तो यहाँ पे एडल्ट्रस नहीं ले सकते हम लोग। फिर आता है नेट्रम म्यूट, नेट्रम म्यूट जो है वो फिर से एम्बिशन इंक्रीज में है, एक्सक्लूसिव है, डिग्निफाइड है, लॉयल है,
तो वो एक रिश्ता छोड़ के दूसरा रिश्ता बनाएगा नहीं, और सिक्रेटिव भी है, तो तुरंत इतने फटाक से मेरे सामने बोलता भी नहीं। और अगर ये लास्ट स्टेज में रहता था, पैथेटिक सिचुएशन में आती थी मेरे पास, तो बहुत ज्यादा रो के फिर मुझे सब चीजें बताती थी। स्टेफी भी जो है वो डिग्निफाइड है, हॉनेस्ट है, सोशल फियर सोशल पोजीशन में है, तो सोशल पोजीशन का उसके दिमाग में रहता था तो भी ऐसा कदम नहीं उठाती थी। दूसरा सेल्फ डिनाइल में है, तो वो अपने बच्चों को भी छोड़ती नहीं थी। तो अभी इसके बाद भी आपको कुछ है तो फिर मुझे क्वेश्चन पूछो। अभी मैंने ट्राई तो किया है सब कवर मैम करने लाइको का। से जुड़ी सब्जी, लाइको से जी लाइको भी वही है ना सर, हाइपोक्रेसी में है, डोमिनेशन में रहता है, और लाइको जो है वो एम्बिशन इंक्रीज एम्प्लॉयड एवरी मींस में है, उसको जो पाना है वो पाके ही रहता था कुछ भी करके। उसको पहले से शादी करने वाली रहती थी तो वो करके ही रहता था कुछ ना कुछ, साम दान दाम दंड भेद जो भी कर करके वो कर सकता था वो चीज। सर हो गया मेरी तरफ से, अभी आपको कुछ ऐड करना है तो प्लीज ऐड कर दो। और क्या ऐड करेंगे मैम, आपने इतनी डिटेल में सब बताया है ऑलरेडी, थैंक यू सर। बहुत ब्यूटीफुली आपने एक्सप्लेन किया है, बाकी हमारे रिस्पेक्टेड मेंबर्स बताएंगे। जी बताइए अगर किसी का कोई क्वेश्चन है। मैम जो आपने एक रूब्रिक अप्लाई किया था, मैंने कहा था कि डिल्यूजन टॉकिंग टू डेड पीपल, तो आपने वो जो दूसरा रूब्रिक लिया था मेटाफोरिक नहीं, जैसे हम डायरेक्ट अप्लाई कर एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव वन, तो इसे भी हम आपने इस तरह से मेटाफोरिकली अप्लाई किया इस केस में? नहीं ना मैडम, डायरेक्टली वो बोली है ना कि ये ऐसे लोग जिंदा होके भी क्या फायदा मेरे लिए, मतलब उसके पेरेंट्स जो थे, और वहां से ही नहीं उसका इनकम। नहीं हाँ मैं पूछना चाहती हूँ मैम, जैसे पेशेंट आके बोलता है कि जैसे कि कैसा? किसी की डेथ हो गई, तो बोलता है ना कि जैसे वहां हम लेते हैं डायरेक्ट रूब्रिक एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन, हाँ जैसे उसके बाद जैसे किसी के पेरेंट की फादर की डेथ हो गई, तो वो डायरेक्ट रूब्रिक रहता है ना मैम। तो ये केस में जैसे उसने कहा था कि ऐसे पेरेंट्स या ऐसे लोग हो के क्या मतलब, हाँ, तो मेटाफोरिकली हम लोग अप्लाई कर सकते हैं ना मैडम। तो वही वही पूछना था मैम मुझे, क्योंकि हाँ, तो मैंने वही ये कहते हैं रूब्रिक। मैडम, डेल्यूजन कब रहता था कि सही में उसके जो पेरेंट्स है वो सपोर्टिव है, लेकिन पेशेंट का ये भ्रम है, फीलिंग है, तब हम डेल्यूजन लेते हैं। लेकिन यहाँ पे नेचुरली वो लोग उसको अवॉइड ही कर रहे थे ना, तो इसलिए हाँ एलिमेंट्स फ्रॉम लिया, डेल्यूजन नहीं लिया तो हमने, एलिमेंट फ्रॉम ले लिया। यस मैम वही पूछना चाहती हूँ कि आपने जैसे डायरेक्ट रूब्रिक को इस फॉर्म में लिया कि एलिमेंट्स फ्रॉम, यस सो हम ये चीज जैसे आपका जो दूसरा रूब्रिक था काली ब्रोम वाला जो सिंगल रूब्रिक है डिल्यूजन मनी ईट्स यूड इन, तो हमने जो मतलब एक पता था कि जैसे पेशेंट आके बोलता है कि जब पैसा था तो मतलब हमारी उतनी हैसियत नहीं थी, और अब पैसा है और हैसियत है लेकिन वो पैसा हम यूज नहीं कर सकते, यानी जो सोर्सेस है उसे हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो जैसे ये केस में वो पेशेंट के पास जब फर्स्ट मैरिज में उसको मतलब पति का सुख था, सॉरी बच्चा था, एंड सेकेंड हाँ इसमें उसके पास यस, तो ये मैम सिचुएशन जैसे ये यहाँ पे अप्लाई होगा ये चीज का नॉलेज नहीं था, तो वही मुझे आप मतलब पूछना था। आपने जो ब्यूटीफुली इतने सारे रूब्रिक्स लिए हैं, जैसे दूसरा भी आपने जो एक्सप्लेन किया मोर्निंग फेथ ऑफ, तो वहां पे भी यस मैम सारे जो रूब्रिक्स है तो इनका इतना डीप मीनिंग है, तो मैं वो चीज के लिए जैसे बहुत सारे, आपका सेशन तो बहुत वंडरफुल था मैम, लेकिन बहुत सारे रूब्रिक्स ऊपर से चले गए मैम, इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी? हाँ मिलेगी ना मैडम, यस तो मैं थैंक यू वही सो मच। अभी आफ्टर वीसी वही थोड़ा डिस्कस करना है मैडम, क्योंकि ये जो न्यू कमर जो है ना, उसी में से मैं गई थी और मैं जा भी रही हूँ। मैं बहुत ज्यादा दिनों से नहीं पढ़ी हूँ, लेकिन रिजल्ट अच्छे मिल रहे हो, और मैं किस तरह से पढ़ रही हूँ तो थोड़ा वो एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। यस यस मैम, ठीक है, थैंक यू। और जिनको रिकॉर्डिंग को लेके क्वेश्चन है प्लीज वो सभी डेटा बैंक ग्रुप हमारा ज्वाइन कीजिए, मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए, मैं आपको ऐड कर दूंगा, वहां पर सिर्फ रिकॉर्डिंग ही रहती तो कोई मिस नहीं होगी आपके।
जी मैम सर, थोड़ा कंटिन्यू कीजिए। मेडिसिन लिख हेलो करके मैम। मेडिसिन को भी लिख हो गया दीजिएगा काम सर, थोड़ा सर्च करने में दिक्कत ना हो। बिल्कुल सर, सर्च करके ही आप उसमें आप मेडिसिन का नाम सर्च करके ले सकते हैं। ऑलरेडी मेडिसिन का नाम डाला हुआ है, मेंटर्स का नाम डाला हुआ है, मेडिसिन का नाम डाला हुआ है हर रिकॉर्डिंग थैंक के यू बाद। सर, थैंक यू। मैम आपके केस में ये एक रूब्रिक जो कालीब्रम सिंगल है, इम्पटिन डिल्यूजन इम्पटिनेस ऑफ अराउंड एंड अंडर वन आर्म स्टैंडिंग इम्पटिनेस, ये रूब्रिक दिया है उन्होंने। डिल्यूजन कौन सा सर? इम्पटिनेस ऑफ अराउंड एंड अंडर वन आर्म स्टैंडिंग, डिल्यूजन एम्प्टीनेस। अच्छा, एम्प्टीनेस मतलब क्या हो गया सर? खोखला हो गया ना अंदर से, कुछ भी नहीं रहा तो वही मेरे पूछा पास, मैं, तो आपके आपके केस में आएगा, एम्प्टीनेस आपके केस में आएगा ना जो आपका केस था। एम्प्टीनेस तो नहीं बोल सकते सर अपने केस में, क्योंकि अपने केस में उसके पास उसका हस्बैंड है अभी भी। अच्छा एकदम ये सब चला जाए, जैसे बूढ़े लोगों का है कि कोई उनको नहीं रहता, उनका रखवाला भगवान अच्छा भी नहीं और इसमें आईपीआर भी नहीं, तब ये एम्प्टीनेस आएगा मेरे हिसाब से। अभी मेंटर्स करेक्ट करेंगे अपने को। मतलब क्या? हाँ खालीपन है ना, ये खाली जगह पे खड़ा नहीं है, खड़ी नहीं है ना, इसके साथ इसका हस्बैंड है ऑलरेडी। एम्प्टीनेस आया है, फोरसेकन हो गई थी वो, हेल्पलेस हो गई थी, उसके रिलेटिव्स ने उसको टाल दिया था, वो बात सही है, लेकिन एम्प्टीनेस नहीं था उसको, उसका हस्बैंड प्यार करने वाला हस्बैंड था, वो संभाल रहा है ना, कौन बंदा करेगा ऐसा यार। उसकी पहली शादी थी ना हस्बैंड की मेरे ख्याल यस से, सर, हाँ यस सर, कौन कौन जिस है वो शादी शादीशुदा औरत को बोलेगा कि तू बिंदास आ जा, मैं तेरे से शादी करता हूँ। जी सर जी, कोई अगर बात नहीं नहीं, करता ये ऐसे ही राइट। खाली बैठती तो एम्प्टीनेस में जाती, हाँ तो फिर एम्प्टीनेस इसको तो लगा दे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल गया उसको, जी है ना, तो पैरों तले जमीन सर, खिसकने जी के बाद ऐसा लगेगा कि यार मैं खाली हो गया, सर, इसके जी पैर तो मजबूत है, मजबूती से पकड़े है हस्बैंड ने, वो बंदा लेके आया उसको, उसका एक्सीडेंट हो गया तो उसको क्लिनिक में हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, फिर इनफर्टिलिटी के लिए ट्रीटमेंट भी लेने आ रहा है, तो इसको सपोर्ट तो पूरा मजबूत सपोर्ट मिल रहा है, कहाँ से एम्प्टीनेस लगा आपको सर? यस चिपकाने का करके ले, रूब्रिक मत चिपकाओ यार। थैंक यू सर। जी थैंक यू महादिक सर, तो वंडरफुल सेशन मैम, थैंक ब्यूटीफुली यू सर, आपने इस केस के थ्रू कालीब्रोम के बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे रूब्रिक्स को छुआ है, एक्सप्लेन किया है, जो हमारी क्लिनिक में बहुत ज्यादा यूजफुल है, और जो आज के सेशन के लिए आपने हार्डवर्क किया है वो दिखता है कि कितने डेडिकेशन के साथ, कितनी सिंसियरिटी के साथ आपने आज के सेशन को प्रिपेयर किया है। और ये 2024 का हमारा फर्स्ट सेशन भी था, तो आशा करता हूं कि सभी सभी को बहुत पसंद आया होगा, और बार बार देखिए, और हमारी IHF फैमिली की ओर से आपके मॉम को जन्मदिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, उनको स्पेशली बोलिएगा कि हमारी IHF फैमिली की ओर से उनके जन्मदिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, भगवान उनको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें और उनको लंबी आयु प्रदान करें। तो डीप ग्रेटिट्यूड टू अवर मुझे भी बोलना मोस्ट, है सर, थोड़ा हाँ हाँ जी मुझे भी बोलने दो यार, 1 मिनट। मैं कांग्रेट जरूर अभिनंदन सर, करना चाहूंगा इनका, क्योंकि कालीब्रोम ऐसा रेमेडी है जो पहली बार पहले पहले ही टाइम पे पकड़ में नहीं आती है, बहुत बार लगता है कि ये रेमेडी समझने को ही, कालीब्रोम का पेशेंट पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, और इन्होंने पहले अटेम्प्ट में पकड़ लिया है, बहुत बढ़िया, हार्टी सर कॉन्ग्रेचुलेशन। इसके लिए मैं डॉक्टर अश्विनी को थैंक यू बोलना चाहूंगी कि उनके साथ वो तो है मैंने ही, वो ये तो है ही, रेमेडी वो तो हमारे हमारे उंगली पकड़ के हमको लेके चल रहे हैं यार, उसमें तो नो डाउट है, तो उनको ग्रेटिट्यूड पहले, फिर आपका अभिनंदन, आपको भी ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद और सर, आपकी माता जी बहुत को भी बहुत हमारी बेस्ट विशेष दीजिए। अब थैंक यू सर। मैं लीव और मैं करता हूँ, थोड़ा घर फैमिली पे को, जाना है मुझे। हाँ मैं IHF फैमिली को पूछना चाहूंगी कि और कहीं पे इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है क्या? कहीं कुछ गलत चीजें जा रही है क्या? और आपको कुछ और चीजें चाहिए क्या मेरी तरफ से?
माधुर मैम बिल्कुल सही डायरेक्शन पे रहो, और बहुत ऐसा बस सुनते रहे ऐसे चलता है आपका सेशन। कुछ नहीं, आप जैसे पढ़ा रहे हो, सिखा रहे हो, जितना भी सेशन ले रहे हो ना, बहुत बढ़िया तरीके से, कुछ भी चेंजेस नहीं चाहिए, हम ऐसे ही सुनना चाहते हैं। ठीक है सर, नेक्स्ट टाइम जी मैं कोशिश करूंगी। मेरी फर्स्ट अजोस्परमिया की केस सक्सेसफुल हुई है। 6 दिन में पेशेंट का जो स्पर्म काउंट है, मैं पहले एक्चुअली लेती नहीं थी अजोस्पर्मिक केस, या तो मैं रेफर करती थी या तो फिर उसको आईयूआई डोनर सैंपल के लिए भेज देती थी। लेकिन आईएचएफ ज्वाइन करने के बाद मैंने फर्स्ट केस लिया, और वो 6 दिन में उसके चेंजेस है, रूब्रिक अपने रिपोर्ट भी अपने पास है, तो ट्राई करूंगी नेक्स्ट टाइम वो केस प्रेजेंट कर। बिल्कुल मैम, तो 2024 की हमारी फर्स्ट बीसी थी, फर्स्ट सेशन था, शानदार रहा, यादगार रहा, और हमारे आज के इस बीसी को, इस सेशन को यादगार और शानदार बनाने के लिए हमारी आईएचएफ फैमिली की तरफ से बहुत बहुत आभार हमारे रेस्पेक्टेड डॉक्टर माधुरी पाटिल मैम को, और हमारे सभी रेस्पेक्टेड आईएचएफ फैमिली मेंबर्स को, क्योंकि आप लोगों का पार्टिसिपेशन, आप लोगों का सपोर्ट ही हमारी लाइफलाइन है, हमारे ग्रुप को वाइब्रेंट बनाता है। तो अभी मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करने जा रहा हूँ, लेकिन हम थोड़ी देर और 10 से 20 मिनट और कंटिन्यू करेंगे। तो डीप ग्रेटिट्यूड थैंक यू टू सर। अवर रेस्पेक्टेड मेंटर्स, डॉक्टर माधुरी पाटिल मैम, डॉक्टर एम बी महादिक सर, और हमारे सभी रेस्पेक्टेड आईएचएफ फैमिली मेंबर्स।